कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरांगे अद्यैवमे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवाद पीतैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते ॐ श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ॐ अदलड्डू गोपाल ध्यानम् नाचे नंद किशोर मोर कुहके कालिंदी का बाजे झांझ मृदंग ताल मुरली माधुर्य मालापते सारी बीच सजी धजी करधनी श्री राधिका सुंदरी चुमे चारों मुखार सकल सुख कारिणी सेवक सतत सुख कारिणी सुमोक हरि चरित गाय आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह बिना विमल विराग विवेक विकास में भगवत पाप रहस्य प्रकाशिनी भगवत पाप रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण विज्ञान का परमहंस मुनि मनाऊ लासिनी परम
समुने मन उलास ने रस कर दरस रास विलास ने भुक्ति मुक्ति रती प्रेम सुदास ने भुक्ति मुक्ति रती प्रेम सुदास पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान धाम की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान धाम की कर्पूर गौरव करुणा अवतारो संसार सारो पदे पदे परिपूज्येभ्य सत्यो स्वामी धारि पलं दधासि तं सर्व पापं चेद्भूतं प्रदक्षिणां ते परितपरे दक्षिणां तु परितकरोमि भूमौलाय जलेन मण्डलीकरणं पुष्पैर्धूलाभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं तत्पश्चात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः एकं प्रेम सूर्य कृष्ण कन्हैयालाल की जय वृंदावन बाके हरिलाल की बंसी वाले की सावरे सरकार की परम पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। सभी भाव भक्तगण करुणा में ममता में माताएं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है सभी शीघ्रातिशीघ्र कथा स्थल पे पधारे और कथा पूज्य महाराज की मुखारविंद से अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें अपने जीवन को धन्य करें। तो आइए सबसे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे तब पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है कथा श्रवण करेंगे। एवा प्रेम जुलियन बिहारी सरकार की जय राधा माधव सरकार की जय। मैं राग रंग जानूं नहीं न जानूं सुर और ताल मेरा प्रेम दीवानड़ी वो तो जाने गिरिधर लाल मेरा प्रेम दीवानी वो तो जाने गिरिधर लाल एवं प्रेम जुड़े वृंदावन बाके हरिलाल की जय। बना पी जरा पांच तत्व का
उसमें बोली मैना, उसमें बोली मैना, चूल्हे ना देना मगन रहना, चूल्हे ना देना मगन रहना, चूल्हे ना देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, केवटिया से मिले रहना, हाँ केवटिया से मिले रहना, कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना मगन रहना। से मिले रहना, ओ केवटिया से मिले रहना, कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, प्रभु चरण लिपट रहना, ओ प्रभु चरण लिपट रहना, कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना मगन रहना। प्रेम चूरी श्री हनुमान जी महाराज की, श्री दुर्वासा जी महाराज की, व्यास भगवान की, सभी श्रोता वक्ता की, अपने अपने माता पिता की, बाल गोपालों की, गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे। ओ मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद विष्णुमुखे राजचितोनु सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम्राधिका चरण रेणुमन स्मरामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक सदाभ्याम, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणश्च पुराण मान परम भागवत स्मरामि।
यम प्रव्रजंतमनु पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेषित राजलक्ष्मी धर्मेष्ट आर्यवचसा यद गाधरण्यम मायामृगम दैतेषित मन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्रेतापदुष्पापसमुद्रसेतवे सदाश्रितानां कल्याणहेतवे दुर्वासने सन्तततृप्तिमूर्तये तपस्विने श्री दुर्वाससे नमः करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे पिनपेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवम गोविंद दामोदर माधवेति विक्रयेतु कामः किल गोपकन्या मुरारि पादार्पित चित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशाद् वोचत गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव गेयम देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा होगी कथा श्रवण कराई जाएगी। आप लोग काम भी करते रहिए, मौन भी रहिए, नहीं तो कथा में विघ्न होगा। काम करते रहो, राम नाम जपते रहो। तो ये थोड़ा हरि नाम संकीर्तन किया जाए। आप लोग सभी बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, आदरणीय गुरु जी से भी माकरा करेंगे कि कीर्तन को दोहराऊंगे, और आप लोग न बोलेंगे तो हम तो बोलने की ड्यूटी लिए ही है। प्रेम से आप लोग कीर्तन करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी कीर्तन कर पाएंगे, समझ लीजिए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हमारे साथ दोहराइए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। हे हो मुरलिया वाले, हाँ हो बसुरिया वाले, हे हो मुरलिया। दिल किया तेरे हवाले मुरलिया वाले, दिल किया तेरे हवाले। जीवन है तेरे हवाले
मुरलिया वाले जीवन है तेरे, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने, तू ही हमें अपना ले मुरलिया वाले, तू ही हमें अपना ले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। अपने चरण का तू दास बना ले, अपने चरण का तू, अपने चरण का तू दास बना ले, अपने चरण का तू, अरे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। जय जय श्री राधे, जय जय। अब वितरण का कार्य हो गया है तो करते रहिए मौन रूप से, नहीं कथम भी होगा, नहीं कह पाएंगे जैसा कहा जाता है। कान पकड़ लेते, नहीं नहीं बांटिया, कहे कान पकड़ेंगे, बोलिए ना, बस हमारे कहे मतलब बोलिए मत, हाँ सबको देते रहिए, बोलिए मत, काम तो चलता ही रहे भाई। श्री नारायण जी आप देते रहे, ये नहीं कहने बंद करिए, बोल रहे ना बस, कथा चलेगी। माँ राधा ये कथा चलती ही रहे। पार्श्वसेन आदरणीय श्री महेश नारायण जी शुक्ल गुरु जी, पुरोता हितम करोति पुरोहिता, जो सबका हित चाहे, पुर का हित चाहे, उसको कहते हैं पुरोहित। और अंधकार निर्दुत्वात् गुरुत विधीयते, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम कहते हैं गुरु। ऐसे गुरु जी हमारे दाहिनी तरफ विद्यमान हैं,
नाम भी है श्री महेश नारायण महाईसा महेशा। तो इतनी बड़ी विभू से अलंकृत महाराज जी विराजमान है, जिनको निमित्त बनाकर गोलोकवासी श्री तीर्थराज जी शुक्ल अस्नेहमयी माता जी उन्हें उत्साह नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं को निमित्त बनाकर ये कथा सुनी जा रही है। और भी अनुराग जी, आपके बिना तो सुना था, नाम ही उनका श्री तीर्थराज था। तीर्थ का मतलब होता है तरंते अनेन इत तीर्था, जिस जगह जाने पर मन हल्का हो जाए। तो हमें लगता है उनका स्वभाव सुमृद रहा होगा, क्योंकि नाम का प्रभाव पड़ता है, मृद स्वभाव के रहे होंगे। कभी कभी हो सकता क्रोध आ जाता रहा हो, ये बात अलग है, पर वो तीर्थराज है और तीर्थों के राजा प्रयाग भी हैं, जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहे, उसे कहते हैं प्रयाग तीर्थराज। ऐसे तीर्थराज जी को निमित्त बना करके हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री काशीराज जी शुक्ल आचार्य श्री परमदत्त जी, जिन्हें प्रेम से लोग मंडित शुक्ल कहते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, इसलिए इस कथा के आप परीक्षित बन गए। बिना निमित्त के कथा नहीं होती। और पार्श्व में बैठे हुए श्री नारायण जी, नार आयन, नार माने जल होता है, आयन माने घर, अर्थात जिसका हृदय जल की तरह कोमल हो उसे नारायण कहते हैं। ये दंपति बैठे हैं और बड़े मृदु हैं और भावुक हैं, इसलिए भी कोटसा साधुवाद के दोनों दंपति। और इस तरह से भैया श्री देवदत्त जी शुक्ल, श्री महेश दत्त जी शुक्ल, ओम दत्त जी शुक्ल, दामोदर जी शुक्ल, संगमलाल जी शुक्ल, शिवलाल जी शुक्ल, सबके प्रति नमन। जो इस परिवार के सबसे बुजुर्ग हैं उनको नमन। भूर्भाव का स्नेह भाजन सबके संतो सुरसुरोपा देवियों, मैत्री गार्गी सीतांशुया सती के चेत कुन प्राणित करने वाली अर्थनिया वंदनिया दिग्मयी भारतीय लल्लाओ, भारत के भाग्य भवन हर बाल को। आइए हम लोग कथा की ओर चलें। कथा तो बहुत है, अगर एक महीना कहा जाए तो भी शायद कम ही पड़ जाएगा, लेकिन हमें खुशी है कि हमारा पाठ पूरा हो रहा है। तो कल आपने ज्ञान वैराग्य और धुंधकारी की कथा सुनी, और संक्षेप में हमने राजा परीक्षित के चित्र का भी वर्णन किया था। देखिए भाई, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं शुक्ल जी। एक तो बहुत ही ऊंचाई पर, एक बहुत निम्न, एक बीच वाले होते हैं। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो भौंरी की तरह होते हैं, भौंरा माने भौंरा गंदी जगह नहीं बैठता, खूब सेंट डोंट हो, फूल हो, महमाता हो, तो भौंरा वही नारायण जी बैठेगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छी जगह नहीं बैठ सकते, जैसे नर्मदा का कीड़ा, नाबदान का, नर्मदे तो कहते हैं आप लोग, तो नाबदान होता है,
उसको अगर आप उसे निकालोगे तो फिर उसी में घुस जाएगा। एक मक्खी महारानी होती है, एक घरेलू मक्खी जो उड़ती है, एक मिठाई पर भी बैठती है, बिस्टा पर भी बैठ जाती है। ये तीन स्वभाव के आदमी होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि उनको भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की कथा, भगवान का नाम छोड़कर कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो भौरे के स्वभाव के हैं। और एक होते हैं नर्दा कीड़ा, उन्हें आप कथा सुनाइए तो फिर भाग जाएंगे, सुन ही नहीं सकते। लेकिन नौटंकी की नाच होने लगे, सिनेमा हॉल में घुसना हो तो देखिए पहले नंबर लगा देते हैं। लेकिन ये मक्खी महारानी, घरेलू मक्खी, ये कथा में भी बैठ जाते हैं और सिनेमा हॉल में भी घुस जाते हैं, ये स्वभाव के होते हैं। तो भागवत कहता है हम तीनों का कल्याण कर देते हैं। देवियों आप लोग बड़े ध्यान से सुने, देखो ज्ञान वैराग्य भक्ति कितनी ऊंचाई पर है। शुक्ल जी बताइए, ज्ञान से बड़ा कोई है? भक्ति से बड़ा कोई है? वैराग्य से बड़ा कोई है? और दीनहीन जीवन में जिसके कुछ भी नहीं रह गया, साधन विहीन, कोई साधन नहीं, वो प्रेत धुंधकारी, उससे बड़ा नीच कौन होगा? और राजा परीक्षित जो है ये बीच के हैं, ना तो बहुत ऊंचाई पर है और ना बहुत नीचे है। लेकिन तीनों को भागवत की आवश्यकता पड़ी। आपने सुना ना, ज्ञान वैराग्य भी भक्ति भी स्वस्थ कब हुए? जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। और ये धुंधकारी, व्यास जी ने कहा धन्य भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है धन्य है धन्य है। हमें क्या आता है उसे मंच से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम एक हमारे मित्र अनुरागी जी हैं, बड़े सरल स्वभाव के अनुराग जी की ही तरह हैं। उनसे एक सज्जन ने कहा कि पंडित जी ये धुंधकारी कौन भागवत सुना की मुक्त हो गया, और हम लोग भागवत सुनते ही मुक्त नहीं होते? बोले धुंधकारी जैसा तुम सुनो तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। कहा धुंधकारी कैसे सुना? तो बोले ऐसा करो, तो हम मजाक ही थे, ऐसा करो कि पहले तो कपड़ा सब उतार डालो, क्योंकि धुंधकारी कपड़ा नहीं पहनता था, प्रेत था, तो पहले आप ही सब कपड़ा उतार डालो और एक बांस ले आओ, उस बांस को हम छील दें ऊपर से, सात कोण का बांस यहां होगा, कपड़ा उतार के उसी बांस पर बैठ जाओ, धुंधकारी को तो सात दिन लग गया, आप एक घंटा मुक्त हो जाओगे। धुंधकारी को सात दिन लगा, लेकिन आप तो न एक घंटा में मुक्त हो जाओ। तो जैसे उनका प्रश्न वैसे उनका उत्तर, अरे बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के कहीं मुक्ति मिलेगी? तो कल ये सिद्ध हो गया कि गया जी में भी पावर नहीं है मुक्ति देने की। इसलिए हमारे यहां जब तक श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाई जाती, वो जीव को मुक्ति की गारंटी कोई नहीं दे सकता। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इसलिए भागवत में उन्हें अभागा कहा गया जो भागवत की कथा नहीं सुनते। आजन्म मात्र एन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। इस सुख शास्त्र को, भागवत को जो नहीं पीता, भला ये शरबत है क्या? पी लो। बोले कान से पिलाओ, सुख शास्त्र कथा न पीता।
इसे कान से पिला दो। आजन्म मात्रमपि एन सथेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांदाल वच खर्वद बदतेन नीतम मिथ्या सो जन्म जननी जन दुख भाजा। अरे उसने 9 महीने तक बिना मतलब अपनी माँ को कष्ट ही दिया है, फिर एकाग्र होकर के भागवत की कथा और से सुन लेना चाहिए। तो भागवत जी कहते हैं तुम हमारा अनुशीलन करो, हम तुम्हें मुक्ति का टिकट दे रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और इसके सबसे बड़े प्रमाण असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल समम सुधाम। क्षण मात्र भी सुख शास्त्र को पी ले, परीक्षित साक्षी, इसके परीक्षित साक्षी हैं। व्यास जी कहते हैं कि जब यमराज के दूत अपने दूतों को हाथ में पास लिए हुए देखते हैं, ये किसी को लेने के लिए जा रहे हैं, तो बुलाते हैं जाओ। बोले हां महाराज जी। तो कहते कहां जा रहे हो? अरे ये कोई पूछने की चीज है, फलादमी बहुत पापी है, उसको लेने जा रहे हैं। तो कान में एक मंत्र देते हैं यमराज जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, पद पुराण बोल रहा है। कान में एक मंत्र देते हैं, क्या देते हैं? स्वपुरुषमपि वीक्ष पास हस्तम, अपने भटों को हाथ में पास लिए हुए देख करके बदति यमः तस्य कर्णमूले, कर्णमूले माने कान में, समझे ना जी? हाँ आपको बुद्धिमान है, समझेंगे। इनकी समझ ना हो तो आप पिछुआ से समझाए रहा करा, तो ये समझ जाइए। जैसे माता जी आएंगे वो समझाई नहीं है ग्रंथ साहब का। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। बोले गोविंद भगवान की, पदति यमः तस्य कर्णमूले, क्यों? क्योंकि मंत्र जो है कान में दिया जाता है, और जो जो मंत्र का दुरुपयोग किए वो या तो जेल की सलाखों में है या संसार से चले गए। कुछ लोग तो टीवी से मंत्र देना शुरू कर दिए थे। जब हमको टीवी से मंत्र लेना है तो किताबी में पढ़ ले। अरे एक विधा होती है, उसका आचार्य कौन है, छंद कौन है, उसका कुल क्या है? मंत्र का अर्थ होता है मंत्रारम इति मंत्रा, अर्थात अत्यंत गुप्त, अत्यंत गुप्त मंत्र का अर्थ ही होता है। अरे माताएं तो गाती हैं, हमारे यहां तो गाती हैं, पता नहीं ये लोग गाती कि नहीं, काने में कौन मंत्र पाया, गाती नहीं जाती, दुलाहे बड़ी देरी लगाया, गाती है ना, गाती है। जब दूल्हा उल्हा खिचड़ी उचड़ी खाता है तो हम लोग गोमुखी में क्यों जपते हैं? और ये ज्यादा नहीं कुछ मालूम है तो भाई मानस तो पढ़ लो, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, जोग जुगुति जप मंत्र प्रभाव
भरई तब ही जब करिय दुराओ जोग जुगोती जप। चलाने की चीज नहीं मंत्र, जितना गुप्त इसे गायत्री मंत्र के लिए तो लिखा है कि इस तरह से पढ़ो कि ओठ भी अगर नहीं ले तो अच्छा है। यहां चिल्ला चिल्ला करके मंत्र दिया जा रहा है। एक गायत्री के बल पर विश्वामित्र जी दूसरा लोक रच रहे थे, इतने गायत्री मंत्र हो रहे हैं, आतंकवाद नहीं खत्म हो रहा है, तो कुछ कारण तो वही है, कुछ तो कारण है। कायाओ क्या कहते हैं महाराज, बोले परिहर भगवत कथा सुमत्तम, जो भगवान की कथाओं में उन्मत्त है। ए दूतो प्रभु राम न वैष्णवानाम, जो वैष्णव है भगवान के पावन भक्त है उनको दूर से ही प्रणाम कर लेना, मत ले आना उनको, हम उनके मालिक नहीं है। तो महाराज किसको ले आऊं? बोले कृष्णाय नो नमति एक क्षरे कदापि, जो भगवान कृष्ण के चरणों में एक बार भी नहीं झुकता, और कलयुग के दोषों को तो बताते ही द्वादश स्कंद में सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जरा कलयुग के लोगों को तो देखो क्या महाराज। बोले यन्नाम ध्येयम् म्रियमाण आतुरः पतन असंवाभिवशे गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार गण उत्तमां गतिं प्राप्तोन्ति न यक्षन्ति कलौ जनाः। बोले सुखदेव जी महाराज की एतावती कथा, गंगा नदी के किनारे केतिक ज्ञानी बैठे, ध्यानी बैठे, जोगी बैठे, जति बैठे, आके मध्य में खोडल वर्ष की अवस्था है, झुड़ले झुड़ले बाल है, मंद मंद मुस्काते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, एक बार बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, यन्नाम ध्येयम्, जिस परमात्मा का नाम सुखदेव जी कहते हैं, मरते समय, गिरते समय, फिसलते समय बीमार होते समय विवस्ता से निकल जाए, विमुक्त कर्मार्ग उत्तमांग गति, कर्मों को मिटा करके उत्तम गति प्रदान कर देता है, ऐसा भगवान का प्यारा नाम है। प्राप्तोति यक्षन्ति न तम कलौ जनाः, कलयुग के लोग उस परमात्मा को भी गाली देंगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की, माने उसकी पूजा से विमुख हो जाएंगे, वही हो रहा है। प्राप्नो यक्षं दिनतम कलवो जना, ऐसा परमात्मा का उदार नाम। इसलिए कहते भैया हम उनके मालिक नहीं है। कौन उनका मालिक है? तो कहते हैं उनके मालिक भगवान नारायण हैं। बोले श्रीमनारायण भगवान की जय। एक बार सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी अपनी कुटिया में लेटे हुए हैं, कहीं हम कथा को छू कर निकल जाए तो आप लोग बुरा न मानिएगा, क्योंकि हमारा पाठ पूरा हो रहा है और जितना सुन ली जाए उतना बहुत है, ऐसा मान करके। तो बद्रिकाश्रम में जहां बदरी का वन है, बेर का, सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम है, उनका नाम है सम्यक प्रास। क्या नाम है? हाँ, व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्यक प्रास। लेटे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया है, शरीर के रोग की तो दवा है लेकिन मन रोगी हो जाए तो कोई दवा है? व्यास जी का मन रोगी हो गया, तो जब मन रोगी हो जाए तो भागवत में आना चाहिए। भागवत कहता है मन का रोग समाप्त होने की कौन सी दवा है,
तो कहते संसार करदमा लेपो प्रक्षालन पटियसी। प्रक्षालन पटियसी माने साबुन। जब ये मन कीचड़ में फंस जाए, रोगी हो जाए, तो सुखदेव जी कहते हैं मेरी कथा में आओ। ये भागवत तुम्हारे मन को खींच लेगी। और ग्रंथ तो मन को लगाने की बात कहते हैं, भागवत जी कहते हैं तुम मेरा अनुशीलन करो, हम तुम्हारे मन को लगाएंगे नहीं, खींच लेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अपने आप मन खींच लेते हैं, उसमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो संसार कीचड़ है और भगवान की कथा क्या है? प्रक्षालन पटियसी माने साबुन है। आज व्यास जी रोगी हो गए, मन के समझ में नहीं आता क्या हो गया। बीड़ा पाड़ी नारद जी का आगमन हुआ, बोलो नारद भगवान की। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सहस गोपी एक नारायण, स्वामी सहस गोपी एक नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, रामचंद्र अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सरयू के नीर तीर तुरग नचायो, सरयू के नीर तीर तुरग नचायो, गल बैजंती धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारद भगवान की। व्यास जी ने दौड़ करके स्वागत किया, आओ मुनिवर आओ। आसन पर बिठाया, भैया पानी का चोर नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अतिथि को पितरों को आज सबके घर में पितृदोष है। क्यों? बोले पितृपक्ष में पितर बेचारे पनिए नहीं पाते, हम तो गया जी कर दिए, का जरूरत है पानी। ये किस शास्त्र में लिखा है कि गया जी आपने? सीधे भागवत प्रमाण दे रहा है कि गया करने के बाद भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ, फिर भी कहते हो कि हम तो गया कराए, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये तो नित्य कर्म है भाई। तो पितृपक्ष में पितर लोग पानी नहीं पाते हैं, और नवरात्र में देवताओं की पूजा नहीं होती। खैर नवरात्र में तो पूजा करते हैं, लेकिन पितर बेचारे स्वयं यमराज ने गरुड़ पुराण में कहा है, नबी प्रपादो उद्धक कर्दमानी। देखिए गरुड़ पुराण का श्लोक, जिस महाभारत इतिहास है, संक्षेप में सुन ले आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास माने इतिहास, इतिहास 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 माने इतिहास बीती हुई घटनाओं की याद दिलाता है।
आपके पितरों ने हमारे साथ ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे। इतिहास है, आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की उत्कृष्ट रचना किया। महाभारत में व्यास जी ने चैलेंज किया है यन तन्ने यन हन तं कुचित, जो मेरे महाभारत में है वो दुनिया में है और जो दुनिया में हो मेरे महाभारत में है। यन्य हन तं कुचित, इससे बाहर कुछ नहीं है, बाघ ज्ञान का ग्रंथ है महाभारत। तो अंग्रेजों ने कहा अगर ये हिंदुस्तानी महाभारत पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में हमको भाग जाना पड़ेगा, तो चलो प्रचार करो, जो महाभारत पढ़ेगा महाभारत की पुस्तक अपने घर में रखेगा उसका नाश हो जाएगा। लोग कहते हैं महाभारत मत पढ़ो नहीं तो नाश हो जाएगा, ऐसी मूर्खता की बात। हमारे घर में तो महाभारत पढ़ा है, हम तो बड़े आनंद से हैं। इनसे पूछो कि गीता तो महाभारत ही है, श्रीमद भगवद गीता सुखल जी वो तो भीष्म पर्व से ही लिया गया ना, कहे पढ़ते हो? विष्णु सहस्रनाम महाभारत का ही है। अरे महाभारत की फलश्रुति देखो क्या लिखा है। और नारद जी ने सावधान किया यद्यपि कृष्ण भगवान महाभारत में है लेकिन कौन है वहां के खलनायक नायक, कोई दूसरे है। जब तक किसी भक्ति ग्रंथ को तुम नहीं लिखोगे जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए तब तक तुम्हें संतोष नहीं प्राप्त होगा। जिस कर्म को करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता वो कर्म व्यर्थ हो जाता है, याद रखना। और बोलो बाल में भगवान की। नारद जी बड़े संक्षेप में सुन रहे, नारद जी कहते हैं व्यास जी सुनो, मैं निर्लज्ज होकर के भगवान का भजन करता था, निर्लज्ज होकर भजन भी निर्लज्ज होकर करना चाहिए, क्योंकि भजन में निकलोगे ना, हम चंदन लगाए हैं तो बहुत से मिलते हैं, खड़वा चंदन मधुरी वाणी दगा भाज गई है निशानी, सुनना पड़ता है। लेकिन याद रखो हमारे प्रभु का स्वभाव कितना बढ़िया है। दोहली रामायण में गोस्वामी लिखा है तुलसी झूठे भगत की, हम लोग झूठे भगत है, असली भगत नहीं है, जो चोला पहने पिए पियर बस, अब अंदर क्या है आपको क्या पता है, लेकिन पीला वस्त्र पहन लिए राम राम करते हैं, आप कितनी सेवा कर रहे हो। 7 दिन के लिए हम आपके यहां आए हैं तो अगर मित्र विचार किया जाए तो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन के लिए नौकरी हम कर रहे हैं। अरे भाई आपने मुझे बुलाया है तो किस लिए बुलाया है, तो नौकरी तो है लेकिन भगवान की नौकरी कर रहे हैं, फिर कितना सुंदर आप सेवा करते हो, कितना बढ़िया सेठ पर सुनाते हो। देखो पंडित जी खाए कि नहीं खाए, पंडित जी को दूध मिला कि नहीं, पंडित जी को फल मिला कि नहीं मिला, पंडित जी उठ गए एक आदमी अनाज बाल्टी लेकर के दौड़ा है, अरे पंडित जी आप भरोगे अपने हाथ से, नहीं कपड़ा छोड़ दो साफ कर लेंगे, ये कौन करा रहा है, कौन करना है भाई। तो जब झूठे भगत की ये सेवा हो रही है जो असली भगत हो जाए, विचार करिए। एक गांव का बड़ा आदमी था, मतलब सुनो थोड़ा कथा गुड़ है सरल कर दें समझ में आ जाए, तो कभी कथा सुनने नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन पत्नी ने कहा इतनी बढ़िया कथा गांव में हो रही एक दिन आपको सुनिया वा, कहा अच्छा तय कहती है चला जाता ही और हमारे कथा उठा तो कौन गए, तो लोगों ने देख लिया कि फला आदमी आ रहे हैं सेठ जी आ रहे हैं, तो पंडित जी गद्दी पर बैठे थे कथा चालू नहीं किए थे, इतने में आ गए, सबने कहा आइए आइए आइए, जो आदमी कभी नहीं आता हो और संयोग से कभी दिखाई पड़ जाए बड़ी इज्जत होती है, आइए आइए। आए तो आगे बैठ गए, लोगों ने कहा बैठिए बैठिए, जैसे मारे सुकुल जी चाहे नारायण जी हो चाहे देवदत्त जी हो चाहे आप सब हो सभी, तो दौड़ दौड़ कर स्वागत करते हैं तो भाई स्वागत तो करना पड़ेगा, तो लोगों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ गए।
पंडित जी ने जैसे स्तुति शुरू किया सो गए, क्योंकि कथा से तो कोई मतलब नहीं था, सो गए। अब प्रसाद भी पट गया, उनको किसी ने देखा नहीं। एक आदमी बैठा रहा, उसने जगाया, कहा जाइए। बोले कथा हो गई? बोले हाँ कथा हो गई महाराज, जाइए। वाह बड़ी अच्छी कथा हुई, अब सुने तो है नहीं तो कथवा कहाँ हुई, बड़ी अच्छी कथा हुई, वाह आनंद आ गया। कहा जाइए, जब तक आप नहीं जाओगे ये दरीवा हमरे आए, आप महाराज जाता कैसे हो, दरीवा लेकर जाइए। तो आइए बैठिए जाइए। घर गए, स्त्री ने कहा कथा सुन लिए? बोले हाँ कथा सुन लिए, और तो कुछ हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन तीन चीज समझ में आ गया, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा अहंकारी आदमी कथा में जाएगा नहीं, और न जीवन भर मंत्र लेगा, मैंने बहुत कहा मंत्र ले लो लेकिन मंत्र तो लेगा नहीं। कहा है अब तुम्हें मंत्र मिल गया है, यही मंत्र जपो तुम, गुरु जी ने मंत्र दे दिया, आइए बैठिए जाइए। अब वो तो बड़े लोगों को जल्दी नींद नहीं आती है, आप सोचते हो हम ही दुखी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आदमी उससे जरा मिलिए तो पता चल जाए, अरे महाराज वो इतना दुख बताएगा कि आप फेल हो जाओगे। उसके दुख की बात सुनो, दुनिया में जितना गम है तो मेरा गम कितना कम है। आप उनके उनका टुकड़ा सुनोगे तो नींद नहीं आ रही थी, तो सोचे मंत्र जब गुरु जी दे दिया है तो मंत्र जपने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। एक चोर घुसा संजोग से उनके घर में, और वो तो चोर को देखे नहीं, तो मंत्र जप रहे आइए, तो चोर जब घुसा कहा आइए, चोरवा कहा पहचान रहा है कहा हमको, ये तो कह रहा आइए तो थोड़ा दबे पाओ, पौना दवाई दे दिए। इतने में सेठ जी कहा बैठिए, चोरवा ने कहा पक्का पहचान रहा है हमको और बड़ा आदर दे रहा है, बैठिए। चोरवा सोचे तो खसक ली ही उसे, भागी तो धीरे से भागना चाहा, तब तक सेठ जी ने कहा जाइए। चोरवा ने कहा ये पहचान लिया और हमको पकड़वा देगा कल, इसलिए इससे मिल ले भैया, ठीक हाथ गोड़ जोड़ लिया फाट पड़ा गोड़े पर, और जो उनको पैसा वैसा रह रहा को चढ़ाई दी। सेठ जी ने कहा कौन हो भाई तुम? बोले सेठ जी आप तो सब जानते ही हैं, क्यों बन रहे हैं, आप तो सब जानते ही हैं, क्षमा करो हमको। सेठ जी ने कहा भाई क्या हो, अच्छा जाओ अपने पत्नी के पास आए, कहा सुन रहे हो भाई, सुन रही हो? बोले क्या है? कहा मंत्रवाद बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया, मंत्र तो सिद्ध हो गया, क्या बात है? अरे कहा यह मंत्र गुरु जी बताए रहे, आइए बैठिए, ये हम तो जप रहे थे और चोर आया चोरी करने, हमारा सारा धन बच गया, मंत्र सिद्ध हो गया। पत्नी ने कहा प्राण वल्लभ आप कथा में गए और झूठा शब्द लेकर के आए तब आपका धन बच गया, और कहीं कथा वास्तव में सुनी होती तो आपके हृदय में जो काम करो जो लोग मत मकसद बिगाड़ बैठे हैं निश्चित दूर हो जाएंगे, इसे शंका की बात, जरा कथा सुन करके दे देखो। तोर बन जई है गोविंद गुण, गाते हैं लोग गाय से, तोर बन जई है गोविंद गुण, किसी की बनी? हाँ अरे ध्रुव कै बनी प्रहलाद जी कब बनी गई, ध्रुव कह बनी प्रहलाद जी कब बनी गई, अरे नारद को बन गए बीड़ा बजाए से, तोर बन जई है गोविंद गुण, अरे सूर को बन गए कबीरा कब बन गए, सूर को बन गए कबीरा कब बन गए, तुलसी को बन गए मानस बनाए से, तोर बन जई है गोविंद गुण गाय से, तोर बन जई है गोविंद। तो गोविंद के चरणों में नारद जी ने कहा मैं दासु पुत्र था, और संत के आशीर्वाद से, संत का जूठन खाने से, संत का प्रसाद खाने से, याद रखो मित्रों किसी का भी जूठन नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्र आदेश नहीं देता है। जो थाली में खा करके और उसी में अचवा थे माने हाथ धोते हैं, उनके घर की लक्ष्मी चली जाती हैं। बोले महाराज सब तो ऐसे कर रहे हैं लेकिन बड़े धनी हैं, बड़े धनी तो हैं लेकिन लक्ष्मी का लक्षण नहीं है,
लक्ष्मण का लक्षण क्या है? बोले न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न स्वभाव मति भवंत कृत पुण्यानां श्री सूक्त जापिनाम। लिखा नहीं पंडित जी वेद में, लक्ष्मी का लक्षण है जिसके घर में व्यक्ति क्रोधी न हो, लोभी न हो, ईर्ष्यालु न हो, न क्रोधो मात्सर्यम न लोभो, अशुभ फलता हो, समझ लो इनके घर भले गरीब है पर इसके घर में लक्ष्मी का वास है। लेकिन बहुत धन है, लेकिन याद रखो मित्रों, झोपड़ी में रहोगे सुला से रहोगे तो सुखी रहोगे, एयर कंडीशन में रहोगे और रात दिन लड़ते रहोगे, सुख कोसों दूर हो जाएगा, तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। बोलो बालकृष्ण भगवान की, सुख संतोष देता है, सुख धन नहीं देता है, याद रखना सुख संतोष देता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए गोस्वामी मानस में कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है न क्रोधो न मात्सर्य, लक्ष्मी का लक्षण है। तो जिस कर्म को करने से, मैं इसलिए शास्त्र कहता है जूठा नहीं खाना चाहिए, थाली में धो लेकिन उसको धो करके पी लो, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, रसो विष्णु हो, पानी विष्णु है, और भोजन करने वाला भोक्ता महेश्वर है। जूठा नहीं खाना चाहिए। जो स्त्री पुरुष एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं, नहीं बड़ा फैशन चला है एक थाली में बैठकर खाने का, एक प्रेम प्रदर्शन होता है, समझ लो स्त्रियां अपने पति की आयु का हनन कर रही है, याद रखना। बोलो गोविंद भगवान की। अगर एक जगह बैठने से, एक थाली में खाने से ये देश स्वतंत्र हो जाता, ये देश स्वस्थ हो जाता, विकारों से दूर हो जाता। आजकल के नेता लोग इस देश को स्वतंत्र कर देते, स्वच्छ कर देते, क्योंकि आजकल बफर सिस्टम में यही हो रहा है। देश सुधरता है शास्त्र की मर्यादा पालन करने से, याद रखना। देश जब तक स्वास्थ्य की कोई मर्यादा का पालन नहीं करता है, कभी भी देश स्वच्छ नहीं हो सकता, याद रखना। एक जगह बैठने से, एक थाली में खाने से स्वच्छता नहीं मिल सकती। बोलो बालक भगवान की। तो झूठा क्या है? बोले तद भोजनम यदि झुक्त शेषम। किसी ब्राह्मण को आपने न्योता दे दिया, वो ब्राह्मण खा लिया, उठ गया, तब उस रसोई को आप खाएंगे, वो रसोई झूठी मानी जाती है, बड़ी पवित्र। ब्राह्मण खा ले और तब आप रसोई में खाइए, ये है जूठी। किसी की थाली में खाने को जूठा नहीं कह सकते हैं। यद भोजनम तद भोजनम यद द्विजभुक्त शेषम साप्रज्ञता या न करोति पापम दंभम विनाया कृते सधर्मः। बोलो बालकृष्ण भगवान की। और कहा सालिक राम का भोग लग जाए घर में, वो जूठा माना जाता। जिसके घर में शालिग्राम जी हैं और तुलसी का पत्ता भोजन में पड़ गया, वो है जूठा। क्या स्वाद है। तुम्ही निवेदित भोजन करही है, तुम्ही निहो, तुम्ही निवेदित भोजन करही प्रसाद पट भूषण धरही। प्रसाद पट भूषण धरही तुम्ही निवेदित भोजन करही। तुम्ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। शीशन वही सुर गुर दिज देखी, शीशन वही सुर गुर दिज देखी। यह रसोई तो नारद जी कहते हैं संतों के आशीर्वाद से संक्षेप में सुन लें, उनका प्रसाद खाने से भक्ति अंकुरित हो गई और हमने साक्षात नारायण का दर्शन किया, और प्रलय के पश्चात मरीज ऋषियों के साथ में उत्पन्न हुआ,
और मैं नारद बन गया। नारद जी महती बीड़ा, इनके बीड़ा का नाम है, बजाते रहते हैं, रंका गुण गाते रहते हैं। व्यास जी का जो पाठ न कर पाते हो, जो एक चौपाई जल्दबाजी में गई बहोर गरीब निवाजो, गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब। बस पूरे मानस का पाठ हो जाता है, याद रखना। इसलिए चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ये भागवत सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। जब ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए व्याकुल थे, मित्रों प्रियात्मन, आज तक आप लोग बता सकते हैं क्या कि शंकर जी पर जल कब से चढ़ना शुरू हो गया? कोई माई का लाल बताओ। सूर्य नारायण को नमस्कार कब से किया जा रहा है? कोई बताओ। यह है सनातन धर्म, है इसका आद्यंत कुछ कब से सब। कुछ लोग कहते पहले महाराज मुर्गी पैदा हुई गंदा, अब बताओ स्त्री पैदा हुई कि पुरुष। अरे आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो उसमें एक अभिमर्षण मंत्र है, ओम ऋतं सत्यं च विदात् जय ततो रात्र जयता समुद्र समुदा दर्वाद समुद्र अहो रात्र विधो बसी सूर्य चंद्रो धाता यथा पूर्व आकल्पय। वहां गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है कि ब्रह्मा भी इसको उत्तर नहीं दे सकता, हम लोग कौन है। ब्रह्मा ध्यान करके देख लेता है मेरे पहले कैसे सृष्टि हुई थी, था पूर्वम कल्पयत, तो ब्रह्मा उसी को ध्यान करके सृष्टि बना देता है। ये तो ब्रह्मा भी नहीं बता सकता, हम आप कैसे बता सकते हैं? ये ब्रह्मा भी नहीं बता सकता, हम आप क्या बताएंगे? ये तो मूर्खता का प्रश्न है। तो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि में असमर्थ थे तो क्या निकला? तप 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 माने वर्ण का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर अर्थात ता और पा। तो तप तप निकला माने तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास को सुनाया, व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवता प्रोक्तम भागवतम। जब भगवान इस धराधाम से जाने लगे तो उद्धव जी उनके चरणों में लेट गए। प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? आप तो जा रहे हो। बोले सुनो, सारी भागवत की हम अपनी शक्ति ना इसी भागवत में रख दे रहे हैं। जैसे मुझसे श्रद्धा करते हैं व्यक्ति, ऐसे भागवत जी में श्रद्धा करें, जैसे मैं सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता हूं वैसे भागवत भी पूर्ण। ये भागवत भगवान की है आरती, और पापियों के पापियों को पाप से है हाँ। ये भगवता अयम भागवता, ये भगवान ही स्वयं भागवत जी हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, उद्धव जी से जो उन्होंने उस समय कुछ कहा, संतम समीपे रमणं गति प्रदम वित्तप्रदम नित्यं विहाय अकामदम दुःख भयादि शोकम मोहप्रदम तोच्छमहं भजे क्या। जो उसने कहा वो भागवत बन गई। उद्धव जी से जो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा और सारी प्रतिष्ठा भागवत में, भगवता प्रोक्तम भागवतम और श्री युक्त न श्री खड़ेश्वर विद्यमान है। देखो भगवान में 6 लक्षण होते हैं, थोड़ा गुण तो विषय ही गुण है तो हमारा दोष नहीं है। श्री युक्त है, श्री मद मदमान युक्त
खर ऐश्वर्य विद्वान हो उसे क्या कहते हैं? ईश्वर परमात्मा। ये हमें घोड़ा में मिल जाए लक्षण, हाथी मिल जाए, कछुआ मिल जाए, सिंह में मिल जाए, उसको भगवान मान लेते हैं। आप कुछ भी हो पर महान पुरुष को हम मान सकते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं मान सकते, याद रखना। तो ये लक्षण उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम गतिम गतः वेत विद्याम विद्याम च स्वभगवान इति कथते। ऐसे नहीं घोड़ा गधा सब भगवान बन जाएगा। आज तो जिसको देखिए घोषणा कर देता हम भगवान हैं और हम फाट पड़ते हैं उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, लक्षण नहीं देखते, कैसे भगवान बन जाओगे भाई? कुछ तो बेचारे भगवान बनने के चक्कर में जेल में चले गए, तो भगवान बन रहे हैं तो भगवान बन गए। तो भगवान भगवती एक ही है, सा भगवती इति कथ्यते, वो भगवान है। और प्रेम में भी छह ही लक्षण होते हैं, इसलिए प्रेमयी रूपम नारद जी ने नारद भक्त सूत्र में प्रेमयी रूपम प्रेम ही परमात्मा है ऐसा कहा। लेकिन ऐसा प्रेम नहीं होता जैसे आजकल हो रहा है। एक जगह हम कथा कह रहे थे, एक सज्जन दूर गा रहे थे, उन्हें कथा से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमारे कान में उनकी आवाज आ गई, बोले दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे। हमने कहा कोई जहन्नम में गिरे, कोई अमेरिका में गिरे, कोई लंदन में गिरे, कोई इंडोनेशिया में गिरे। मैंने ये दिल नहीं चीनी और चना का बोरा हो गया। सोची भाई दिल में एक छेद हो जाए सब कुछ बचोगे, कोई बचेगा? यहां तो दिल के टुकड़े हुए हजार तभी जीवित रहे। वाह वाह प्रेम, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, वाह वाह प्रेम। नहीं गुण रहितम कामनारितम प्रच्छन्न वर्धमानम प्रच्छन्न सुखसरम अभिनव गद्यम, ये छह लक्षण विद्वान होते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या करने का समय हमारे पास नहीं है। बोलो बालकृष्ण भगवान की, ऐसे कथा में छह गुण होते हैं। ये गुण ना तो यम नियम आसन प्राण किसी में नहीं होता है, नियम व्रत किसी में नहीं होता, तीर्थों में भी नहीं होता, केवल कथा में है। गोपांगनाओं ने क्या कहा, छह लक्षण बताते हैं। तो सुखदेव जी बोले तो कथा तप्त जीवन कवि भीरीदितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातपम भूविगृणंतिये भूरिदाजना। छह लक्षण, इसीलिए सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारी मृत्यु का समय 7 दिन बाद है, इसे छोड़ दो साथ, एक काम करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि बोले श्रोतव्यः, केवल सुनो बस और कुछ मत करो, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च अस्मृष्टव्यश्चता भयम्। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, भय प्राप्त करना चाहते हो परीक्षित, तो आज ही से तुम भगवान की कथा सुनो बस, श्रोतव्यः, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुनो भगवान की कथा श्रोतव्यः, क्योंकि खट लक्षण विद्यमान है। ऐश्वर्या यशा श्री ज्ञान वैराग ये खट भग इतिरड़ा, ये छह लक्षण जिसमें विद्यमान होते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। बोलो बाल मुकुंद भगवान की। तो ये छोटा सा भजन कर ले, गाओगे भजन? सुना दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हे प्रेम सूर्य वृंदावन बाकी हल्लाल की, मोर मुकुंद बंसी वारे की सावरे सरकार, जय हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हम भूल गए थे मद
में हम भूल गए थे मन में हम खो गए थे तन मन में हम भूल गए थे मन में हम खो गए थे तन मन में हर की ओ हर की राह बताने वाले हर की राह बताने वाले तुमको लागो प्रणाम तुमको लागो प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लागो प्रणाम तुमको लागो प्रणाम हम लेकर विष का प्याला हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अमृत गाला हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अमृत गाला प्रभु सुधा पिलाने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको लागो हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लागो प्रणाम तुमको लागो प्रणाम हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे सुखबेद सुनाने वाले सुखबेद सुनाने वाले तुमको लागो प्रणाम तुमको लागो प्रणाम तुम घट घट अंतर जानी कहे विमल भागवत वाणी तुम घट घट अंतर आनी कहे विमल भागवत वाणी प्रभु दर्श कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले तुमको लागो प्रणाम तुमको लागो प्रणाम तुमको लागो प्रणाम तुमको लागो प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लागो प्रणाम राधे जय जय नारद जी ने चार श्लोक सुनाया व्यास जी को ना यद सत्सत परम पश्चाधाम प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान भूतांति भूते स्वाचा वचेस्वनु प्रस्तान प्रस्तानी तथा देवते स्वम यथा वदेव जिज्ञासुं तत्व जिज्ञासु आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्व सर्वदा बोलो बाल में भगवान की संक्षेप में मित्र सुन लो आगे बढ़े इसका अर्थ यही है कि सृष्टि के पूर्व में ही था हमें वास्मे वा करे सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा जब कुछ नहीं था तब भी मैं ही था और सब रहेगा तो भी मैं ही रहूंगा बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान हैं तो दिखाइए हैं जरा देखिए गजेंद्र ने कितना बढ़िया पंडित जी स्तुति किया है इतना सुंदर भगवान की परिभाषा बताया उसने क्या कहा है सुनो गजेंद्र ने भागवत के अष्टम स्कंध में ये ईश्वर की परिभाषा बता रहा है स्वयं देवासुर मरुत तुरियं देखो क्या ये ईश्वर की परिभाषा है स्वयं देवासुर मरुत तुरियं न स्त्री न खंडो न पुमान न जंतु नायं गुणाकर्म न सन न चासन निषेध से सो जयताद से सहा बोलो श्री रामनाथ भगवान की थोड़ा जोर से जय बोल दिया करो हमारा उत्साह बढ़िया है बोलो गोविंद भगवान की इतनी बढ़िया परिभाषा गजेंद्र कहता है वो परमात्मा न देवता है
न मनुष्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न गुण है, न कर्म है। अब क्या है भैया, न कोई जंतु है। तो क्या कहा, कितनी बढ़िया परिभाषा बताया, निषेध शेषो जयताद शेषा, माने सब कुछ कटने के बाद जो बच जाए वही ईश्वर है। बोलो सियावर रामचंद्र की, कुछ तो बचेगा भाई। सब कुछ कटने के बाद जो बच जाए वो कौन है, वही है परमात्मा। पूरी भागवत कह दिया। परशुराम जी बार बार फरसा पहट रहे हैं, ये टिबिर टिबिर कल का छोकड़ा लगता है हमारे फरसे को नहीं इसने देखा। फरसा देख लेता तो इसकी बोलती सिट्टी पिट्टी गुम। आप ठीक मिलाते हैं तो देखो ये आपको बताओ, परशुराम के बोलने की स्टाइल क्या है। जैसे अभी हम किसी और देखने लगे मित्रों, तो आप सोचोगे पंडित किधर देख रहे हैं, सोचोगे नहीं। ऐसे परशुराम जी जब बोलते हैं तो फरसे को देख लेते हैं, उनकी बोलने की स्टाइल देखो, फरसे को देख लेते हैं। उनका मतलब था हम फरसा देखेंगे तो लक्ष्मण वो देखेगा फरसुआ को, तो जब फरसुआ देख लेगा तो इसकी बोलती शायद मेरे फरसे को, तो क्या कहते हैं, बोले बोले चीतई परसु की ओरा अरे सठ सुने सी स्वभाव न मोरा। हमारे स्वभाव को नहीं जानता, क्योंकि तो बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जल जान सी मोही। केवल मुनि जल, लेकिन लक्ष्मण जी काहे को देख रहे, तो परशुराम जी से रहा ही सुलभ है, तो कह ही देना पड़ा, अरे पहले फरसे को देख ले तो बात करो। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। ए राजा का लड़का फरसे को देख, लेकिन लक्ष्मण जी काहे को देख रहे। लक्ष्मण जी बड़ी बढ़िया बात कहा, कहा गुरु जी आप ब्राह्मण हो ना, आपका धर्म फरसा नहीं है, छात्र धर्म नहीं, आपका धर्म तो जनेऊ है। तो क्या बढ़िया गुस्सा जी कहा, ब्राह्मण होकर जनेऊ न पहने, जनेऊ चार चीज अपने आप दे देता है, यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम प्रजापत सहजन तो आयुष मग्रम प्रथम शुभ्र यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेज, कोई पहनना नहीं चाहता। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, गुरु जी हम क्या देख रहे हैं, फरसा नहीं देख सकते, तब क्या देख रहे हैं, बोले भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलो की, यही जनेऊ आपकी रक्षा कर रहा है, याद रखना ये जनेऊ न होता महाराज तो मैं बता देता कि लक्ष्मण कौन सी चीज है, ये जनेऊ आपकी रक्षा। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलो की जो का चुका है हुसरो की। तो लक्ष्मण ने कहा अरे फरसे इतना बड़ा मेरा अपमान, इसको इसके सिर को काट लो। लक्ष्मण फरसा उठा लौटाया, फरसे ये लक्ष्मण का सिर तूने क्यों नहीं काटा। वह कहा गुरु जी पहचानो ये है कौन, कौन है, तो भैया आप लोग अध्यापक बैठे हैं गणित लगाते हो तो उसमें भाजक भाज्य भजन फल शेष, अगर पांच को दो से भाग दोगे सुकुल जी मंडन जी तो दो दूना चार, दो भजन फल हुआ और शेष आया एक, तो क्या दो एक को काट देगा, दो ज्यादा है एक कम है, क्योंकि एक शेष है उसे नहीं काट सकता। लेकिन गजेंद्र ने कहा जो सब कुछ कटने के बाद बच जाए वही परमात्मा है। बोलो बालकृष्ण भगवान के सवेन देवा सुरमर्त तिरंग
न स्त्री न खंडो न पुमान न जंतु नायम गुराह कर्म न सन न चासन निषेध शेषो जयताद शेषा। ऐसा सुखदेव जी ने भागवत का वर्णन किया जैसे लगता देख रहे थे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और उन्होंने कहा देखो परमात्मा को सृष्टि करने के लिए किसी अवयव की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं उपादान है, स्वयं उपमेय है, स्वयं उपमान है। जैसे लौकिक उदाहरण देते हैं, एक मकड़ी उसे जाल बुनने के लिए कहां से लाती है जाल, उसके अंदर से ही निकलता, अंदर ही लीन हो जाता है, वो कहीं बाहरी अवयव नहीं ढूंढती। ऐसे परमात्मा जो है स्वयं भी माया है, स्वयं ही मायाधीश है और स्वयं ही संसार है, सब कुछ वही है, तो परमात्मा ही सब कुछ है। बहुत अधिक ने बता करके उसे कैसे जाना जा सकता है। बोले देखो भैया ग्रहों में सबसे खतरनाक ग्रह कौन है, राहु। कौन ग्रह खतरनाक है बोलो, राहु। राहु जब खराब होता है तो ब्रेन हेमरेज होता है, याद रखना। भूत प्रेत बड़ी बाधा देने लगते हैं, लेकिन राहु दिखाई नहीं पड़ता कभी भी। ऐसे ही नारद जी कहते हैं शरीर में आत्मा बैठी हुई है लेकिन आत्मा कभी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन सबसे ज्यादा उसका प्रकाश है। ये कैसे जानोगे, बोले अन्वय व्यतिरेक अभ्याम यत् स्यात् सर्वदा। इसे अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्व माने मिला हुआ, व्यतिरेक माने अलग, माने उन्हीं का वर्णन हम करने जा रहे हैं। व्यास जी ने कहा जिनका संबंध कृष्ण से है, जैसे रामायण में गोस्वामी जी उन्हीं का वर्णन किया जिनका संबंध राम से है। जो राम से संबंध जहां नहीं है, गोस्वामी वर्णन न सीता का विवाह कहा उन्होंने, मंडोदरी का विवाह कहा, कहा है क्या। ऐसे भागवत में उन्हीं का वर्णन व्यास जी ने किया जिनका संबंध कृष्ण से। बोलो कृष्ण भगवान की। तो सबसे पहले क्या, कहां से वर्णन करते हैं, बोले कुंती से। बोलो कुंती माता की। कुंती ने जैसा वरदान मांगा है आज तक दुनिया में कोई नहीं मांग सकता। तो कुंती से वर्णन करने का क्या मतलब है भाई, मानो व्यास जी बताना चाहते हैं। देख लो भाई, जिसके कुल में परीक्षित जैसा भक्त पैदा हो रहा था उसका कुल पहले देख लो, कुल कैसा है। भगवान को पाने के लिए कुल की पवित्रता बहुत आवश्यक है, याद रखना। अरबों घोटाला करने वाले, अरबों संपत्ति कमा लेने वाले हीरो हीरोइनों का कभी भी सुभाष चंद्र बोस नहीं पैदा होते, नोट कर लो। इनके यहां तो जब पैदा होंगे तो घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला। चाहो चंद्रशेखर आजाद पैदा होना सवाल ही नहीं है। इसलिए कुल की पवित्रता बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी अगर लक्ष्मण रेखा को न पार करती तो रावण कैसे ले जाता, काहे को पार कर गई, क्या सीता जी गलती नहीं है। अरे भाई जरा रामायण ध्यान से तो पढ़ो, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। छो भैया राम जी क्या कह रहे हैं, बोले मंगल लाही न जिनके नाही ते नरवर थोरे जग। जिनके दरवाजे से मंगल कभी वापस नहीं जाता ये रकुल है। राम जी कहते हैं मेरी डिक्शनरी में ना शब्द ही नहीं है, मंगन लाइन जिनके नाही, मंगन को नाही नहीं मिलता। सीता जी यदि रावण को भिक्षा न देती तो कुल की मर्यादा न समाप्त हो जाती, तो कुल की मर्यादा की रक्षा करने के लिए सीता जी को रेखा से बाहर आना पड़ा। यह है सीता। जरा वाल्मीकि रामायण पढ़ो,
सीता कौन है? सीता जी कहती हैं, ए पृथ्वी माता, अगर मैंने मन वचन कर्म से श्री राम को ही जाना हो, श्री राम का ध्यान किया हो, तो पृथ्वी ने भी जगह दे दे, पृथ्वी ने जगह दे दिया। बोलो सीता मैया की जय हो। कोई स्त्री हम मानते हैं वो शरीर से पतिव्रता हो सकती है, वाणी से पवित्रता हो पतिव्रता हो सकती, पर मन से बहुत मुश्किल है। लेकिन सीता कहती है, अगर मैंने मन वचन कर्म से श्री राम को छोड़कर किसी को न जाना हो, यह है सीता। बोलो सीता मैया की। और सीता पर उंगली उठाते हो, शर्म नहीं आती है? यह है कुल। तो ये दिखाना चाहते हैं व्यास जी कि जरा देखो, जिस कुल में परीक्षित जैसा श्रोता, परीक्षित जैसा भक्त पैदा हो रहा है, उसका कुल कैसा है। तो कुंती माता, आज महाभारत हो गया, भगवान राम भगवान कृष्ण अपने द्वारिका जाना चाहते हैं, सोचे बुआ जी से मिल ले। आप लोग बुआ कहती हो, बुआ कहती हो, क्या कहती हो? बुआ। हाँ ठीक, तो हम ठीक है बोलिए। हो बेटी अका कहा तो बुआ की बुआ। बोलो गोविंद भगवान की। ये कथवा पूछबो करो, बताई दे बुआ, ध्यान सुनती है। हम मास्टर रहे तो मास्टर तो आदत खराब पूछे वाले। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया, राधा राधा प्रिया प्रिया, राधा राधा प्रिया प्रिया, हे श्यामा हे राधा, राधा राधा प्रिया प्रिया, हे श्यामा हे राधा राधा। जय जय श्री राधे जय जय। आज गए अपने बुआ जी से मिलने, हम जा रहे हैं। हे बुआ जी, हम तो जा रहे हैं द्वारिका। बुआ जी ने कहा एक वरदान दे दो तब जाओ। घोड़े की बागडोर पकड़ लिया, क्या ऐसा वरदान कुंती माँ ने मांगा है, विश्व में कोई नहीं मांग सकता। हम लोग दो चार दिन अगरबत्ती उत्ती सुलगाएंगे, आरती उत्ती दिखाएंगे, भगवान ने हमारी मनोकामना न पूरी किया तो तुरंत कहेंगे न कहते भगवान भगवती, तुरंत बोले गोविंद भगवान की। अरे भैया, मंदिर के सामने हम गए हैं, 1000 रुपया का जूता पहन लिए, 500 पहन लिए, और बढ़िया फूल के थाली में कपूर और घी की बत्ती जला करके खूब टीप टाप बन करके गए, और जूता निकाल दिया तो भगवान को देखकर कहते हैं तुम्हें व माता, और ध्यान लगा है कतो निकाह चुक जा, 1000 रुपया जूतो चला जाए, तो फिर जूता को घुमा, पिता तुम्हें वह। भगवान सोचा था हमारा आदि करवा जूतवा कर, तो कहे तुम्हें वह बंधु, फिर जूता को सखा तुम्हें वह, तुम्हें वह विद्या द्रविणम तुम्हें वह, फिर अंत में जूता को देख कहा तुम्हें वह सर्वम मम देव देव। भगवान ने जा बेटा जाओ, इसे नंगी पैर बहुत टीप टॉप करके मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को दंडवत करने में संकोच होगा, जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए, बहुत वस्त्र टीप टॉप पहनकर नहीं जाना चाहिए भगवान के दरबार में, कि लोग भगवान को न देखकर आपे को देखने लगे। ऐसे न टीप टॉप पहनकर के जाओ कि लोगों की निगाह आपे पर जाए। जैसे टीवी में देखिए कुछ कथा वादे इतने सुंदर बन जाते हैं कि भगवान कथा छोड़ वो ठीक सब देखे, इतना तो तुम संसार में ग्रस्त हो तो कथा क्या सुनाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। तो क्या वरदान मांगती है कुंती, देना हो तो बोले विपदा संतु, विपत्ति दो
तनिया मुस्कुराए, वाह बुआ जी अभी विपत्ति से नहीं आप खाई, एक किलो दो किलो एक कुंटल कितनी विपत्ति दे दे। बोले शाश्वत हमेशा के लिए। तत्र तत्र जगत गुरु, क्योंकि कन्हैया मैंने सुना है कि जिसे तुम्हारा दर्शन हो जाता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, आपका दर्शन अब पुनर्भव। कन्हैया, कन्हैया ने कहा बुआ जी अभी विपत्ति से नहीं आगाही। अरे तुम्हारी बहू को भरी समाज में नग्न किया जा रहा था, भीम को जहर दिया गया, पांडवों को जुआ में धोखा देकर वनवास खदेड़ा गया, तुम्हारा प्रपौत्र अभिमन्यु मार डाला गया, फिर भी इस विपत्ति से तुम नहीं लगाई। और क्या मांग रही हो? विपदा सन दो, विपत्ति दे दो। ऐसा उत्तर दिया है कुंती मां ने। एक नैया, जब हमें विपत्ति थी तो तुम बार बार आते थे, तुम्हारा दर्शन होता था, आज तुमने मुझे सुखी देख लिया, तुमने देख लिया कि मेरे पुत्र युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया तो तुम जा रहे हो, ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जिससे कन्हैया तुम दूर हो जाओ। कबीरदास कहते हैं सुख के माथे सिल परो और हर हृदय से जाए। अरे भैया बलिहारी वह दुख की, बोले पल पल नाम बताया, बलिहारी तो दुख की है, भगवान बराबर याद आते हैं, इसलिए विपदासन दो। भगवान मुस्कुराए। इतने में क्या लीला हुई, बोले द्रोण से तमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपि कुछो गत आत चक्रो मातुष्ट मेया शरणं गताया श्री कृष्ण गोविंद दहरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वासुदेव भगवान की। द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी माने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और इसके पहले इसी द्रोणी ने भगवान से उसे वरदान मांगकर सोते समय पांडवों की सेना को काट डाला था। कितना द्वेष इसके अंदर है, इसे अधम ब्राह्मण कहा गया। अधम ब्राह्मण भैया, वहां लिखा है महाभारत में कि अश्वत्थामा दृष्ट दुम्न को लातों और घूसों से लगा मारने, वहां लिखा है कि दृष्ट दुम्न ने कहा अरे अश्वत्थामा तू तलवार निकाल करके मेरा सिर क्यों नहीं काट लेता, क्यों लातों फूसों से मार रहा है। तो क्या उत्तर दिया द्रोणी ने, देख तू क्षत्रिय है, अगर तलवार से मारूंगा तो स्वर्ग जाएगा और लातों फूसों से मारूंगा तो नरक जाएगा, तू मरने के बाद भी नरक जा इसलिए लातों फूसों से मैं मारूंगा, यह है महाभारत। लेकिन रामायण में राम जी ने विभीषण से कहा है, विभीषण जब तक रावण जीवित था हमारा शत्रु था, अब तो मर गया मेरे भाई की तरह है, तुम इसका दाह संस्कार करो। और हम लोग रामायण की कथा तो सुनते हैं लेकिन चलते कैसे हैं? रामायण सिख अनुहरत लेकिन जग भय भारत रीति। महाभारत रामायण में क्या माने, दोनों भाई हैं महाभारत में युधिष्ठिर और, लेकिन असंघ सेना कर जाने देते हैं, लेकिन राम जी भरत का चरित्र फुटबॉल बन गया अयोध्या का राज, इधर से भरत मारते हैं उधर से राम मारते हैं। सज्जनों भाई विपत्ति बांट लेने वाले को कहते हैं, संपत्ति बांट लेने वाले को भाई नहीं कहते हैं।
बांटी विपत्ति, विपत्ति बांट ली। सबन मोहि भाई तुम ही अवध लगी बड़ी कठिनाई। भैया तुमने मेरी विपत्ति बांट लिया, तो संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं, विपत्ति बांटने वाले को भाई कहते हैं। एक सज्जन ने कहा पंडित जी आज हमको कल हमको भरत सुना दीजिएगा। हमने कहा सुना देंगे। फिर आया कुछ देर में कहा पंडित जी मत सुनाइएगा, परसों सुनाइएगा। हमने कहा क्यों? कहा कल में मुकदमा हमारा है, हम जा रहे हैं मुकदमा लड़ने। हमने कहा किससे? कहा छोटे भाई से मुकदमा चल रहा है। तो हमने कहा तो भरत चरित्र सुनने से ही फायदा है, भाई से मुकदमा लड़ो, भरत चरित्र सुनो, यही तुम्हारा धर्म है। तो रामायण से अनुहरत हम लोग शिक्षा तो रामायण की देते हैं, बोले जीवन कैसा? बोले जग भयो भारत रीति, और तुलसी सठ की को सुने कल कुचाल पर प्रीत, सियावर रामचंद्र की। तो इसलिए सुना तो भैया बोला ना, नहीं ठीक बोल रहे हैं, इतना रोजगार तो उनको निकालने दीजिए भाई। बोलो गोविंद भगवान की जय। पांच पांच नृशंस पुत्रों की हत्या कर देता है द्रौपदी के। द्रौपदी आकर देखती है तो पांच लाशें, उसके भाई धृष्टद्युम्न शिखंडी पांच पुत्र सब सिर कटे पड़े हैं। द्रौपदी तो चिघाड़ मारकर रोने लगी। अर्जुन कृष्ण दौड़ कर आते हैं, देवी अब तो मैं तुम्हारे आंसू तभी पूछूंगा जब इस अधम ब्राह्मण के सिर को काट कर लाकर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोलो आनंदगन कृष्ण भगवान की। अब रथ के साथी बने कन्हैया, पानी पी के तब बैठे, पानी पी के अर्जुन गांडी उधारी चले। देखा कि अर्जुन आ रहा है, उसने तुरंत सरस्वती के जल से आचमन किया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और परमात्मा का संधान कर दिया प्राण रक्षा के लिए। अर्जुन ने कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण भक्ता नाम भयंकर, आप भक्तों को अभय प्रदान करते हो। तुम्हें को दहमाना वर्गोसी संस्कृत है, इस ब्रह्मा से रक्षा करने वाला मेरा कोई नहीं है। कृष्ण तुम तो भक्तों को अभय देते हो ना, किंतु तुद ग्रह शरणागता ना, आप तो शरणागतों के रक्षक है। परामो नाथन तेन रूपा, नारायण ने कहा तुम भी परमात्मा का संधान करो। देखो भैया हमारे मन में बात आ रही है कि कथा कुछ और है, बहुत है, तो हम कल दिन में अगर आप लोग चाहोगे और नहीं कोई चाहेगा तो हमारे यजमान की उनको जबरदस्ती ही बैठाएंगे, और 10 से 12 मुझे कल दिन में कथा कहना पड़ेगा। तैयार हुआ? हाँ, ऐसे झड़फट हुआ चाहे सुना हुए, क्योंकि कृष्णजन की ओर चलना है, कुछ अधिक से अधिक कथा आपको सुना दें, आवाज नहीं पूरा हो पाएगा। बोलो गोविंद भगवान। नारायण जी सुनोगे कि नहीं? है न सुनगा तो नारायण नाम दे दूसरा नाम दे। बोलो गोविंद भगवान की जय। देखो यहाँ लिखा है जैसे ही कृष्ण ने कहा तुम ब्रह्मास का संधान करो, बोले सुत्वा भगुता प्रोक्तम फाल्गुनम परदीरहा अश्वत्वा पस्तम परिक्रम में ब्राह्मण ब्रह्मा संधे। तीन बार कृष्ण की परिक्रमा किया अर्जुन ने और आचमन किया। बोले ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय। हाँ, कुछ लोग जैसे भूत काटे बैठी है, ऐसे जब पूजा में बैठा थी ना, आप ना कहते हैं इनका, कहते थे सेवा करते हैं ध्यान समाज भोजन बंद हुई है, जैसे इनका ना कहा। तो पंडित जी कहते आचमन करो, तो क्या करी है? हाँ लो, तो वही घूंघट के ऊपर से, हाँ को माता जी। अरे भैया आओ भाई बैठो, आप बड़े सोए हुए हो, बैठे धन्य है।
आपका स्वरूप देखकर ही आनंद आ गया। बोले गोविंद भगवान की जय। पानी पी पहले वो पानी पिलाओ नेताजी पानी पिलाओ पानी में प्रसाद है। पंडित जी आप तो विद्वान हैं और मेरे मुझे बड़ा हर्ष है कि यहाँ सब आचार्य ही कथा सुन रहे हैं। मन आप मंडन जी आप आचार्य हमारे अनुराग जी गुरु जी तो क्या पूछना है और जितने सब बैठे विद्वान ही बैठे हैं आप भी आचार्य बैठे हैं और बड़ा सौभाग्य मेरा है कि गंगा नदी के किनारे आचार्यों को भागवत सुनाने का सौभाग्य प्राप्त है। ये सौभाग्य मिलेगा जल्दी किसी को? ये हमको मिला है। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों मिला है? क्योंकि मेरा पुण्य ज्यादा है ना? नहीं तो हम जैसे हजारों वक्ता घूम रहे किसी को बुला लेते, लेकिन भाग्य तो मेरी है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो वहां कहते सब वहां है अभ्यंतरा सूची ही बाहर भीतर पवित्र। तो जब तुमने भगवान के नाम से अभिमंत्रित है उस जल को अंदर जाने नहीं दिया तो पवित्र कहां से हुई भाई? तो बीड़ी सिगरेट पीने में मजा आता है, उसका धुआं अंदर ले जाने मजा आता है, लेकिन भगवान के नाम का कहो केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः उसको फैशन समझते हैं। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत सुना मुक्त हो गया। हम रोज सुनते हैं न बीड़ी से मुक्त हो रहे हैं न सिगरेट से मुक्त हो रहे हैं न शराब से मुक्त हो रहे हैं। वाह 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 वाह। और परीक्षित की तुलना करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। यहाँ भावना क्या है अर्जुन की? बोले मरेंगे तो हत्या पाप से स्वर्गम स्वर्ग का राज्य मिलेगा क्योंकि शरीर पवित्र रहेगी और पवित्रता से मरूंगा तो स्वर्ग पाऊंगा। इसलिए अर्जुन किया जाता है ऐसे गड्ढे में गिर पड़ोगे। आचमन करते हैं और ब्रह्मा का संधान कर दिया। एक तरफ नारद जी खड़े हो गए, एक तरफ व्यास जी गए, रोको ब्रह्मास्त्र। व्यास जी ने कहा कृष्ण तुम्हारे प्रलय हो जाएगा, लगता था प्रलय हो जाएगी। व्यास जी का लड़ो। अस्तुत्थामा ने कहा गुरु जी हम चलाना तो जानते हैं लेकिन लौटाना नहीं जानते हैं। व्यास जी ने कहा मूर्ख छोड़ा ही क्यों, प्राण लेने को उसी को अधिकार है जो प्राण दान दे सकता है, उसी को अधिकार प्राप्त है। कृष्ण ने अगर चीर चुराई तो चीर बढ़ाई भी, इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जो प्राण ले सकता है वही प्राण, जो प्राण दे सकता है वही प्राण ले सकता है, साधु समर्थ है वो। तुमने क्यों खैर अर्जुन शस्त्र विद्या के पारंगत थे, उन्होंने दोनों को वापस कर दिया। और नारायण नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 विष्णु पुराण भागवत गीता विष्णु पुराण भागवत गीता वेद व्यास जी को नारायण 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 भजमन नारायण 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 ए बा प्रेम सूर्य वृंदावन बाकी बिहारीलाल की जय। कर तब किया इस मात ने, बात कुछ समय की है, जिस समय महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ और उसमें बहुत से वीर योद्धा मारे गए और पिंडदान का जो समय आता है, बात उसी समय की है कि कर्तव्य किया इस महात ने। कुंती मैया कहती है
कह रहे युधिष्ठिर सबका पिंडदान कर रहे हो तो कर्ण का भी कर दो पिंडदान। युधिष्ठिर कहते हैं अरे कर्ण तू हमारा दुश्मन है मैं कैसे पिंडदान कर दूं। तब कहती है क्या कि कर तब किया इस मात ने ये माता ही। जैसे युधिष्ठिर सुनते हैं कि कर्ण हमारा भाई है उनके नेत्रों में अश्रु की धाराएं बहती हैं और कुंती मैया कहती है कि अरे पुत्र वो ऐसे गम का प्याला था जिसे जी हवा पीने नहीं देती मैं कर्ण को बेटा कह देती वो दुनिया जीने नहीं देती। वो आया समय ही ऐसा था हर विधि से जब जन्म दिया था कर्ण को उस समय में अर्जुन क्वारी थी। क्वारी का अर्थ दूसरा मत लगाइए क्योंकि कुंती माता को वरदान प्राप्त है तो जब जिस समय वह चाहती तिस देवता का आवाहन करके बुला सकती थी उनको। और कहते हैं क्या कि अगर राज माता राज ना छुपाती अगर राज माता राज ना छुपाती तो भाई से अटूट नाता कवारा न जाता कर्ण जैसा भाई मारा न जाता कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राज माता राज ना छुपाती अगर राज माता राज ना छुपाती भाई से अटूट नाता कवारा न जाता कर्ण जैसा भाई मारा न जाता कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी अगर राज माता अगर राज माता राज ना छुपाती अगर राज माता राज ना छुपाती उजड़ा चमन फिर से बसाया न जाता कर्ण जैसा भाई मारा न जाता कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राज माता राज न छुपाती अगर राज माता राज ना छुपाती भाई से अटूट नाता कवारा न जाता कर्ण जैसा भाई मारा न जाता कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। अर्जुन महाराज दुखी होते हैं और कहते हैं क्या कि कवच और कुंडल कर दान दीने कवच और कुंडल कर दान दीने कवच और कुंडल कर दान दीने कंस उसने पांच बाण दीने हमको उसने पांच बाण दीने ना समाज माता ना समाज माता उंगली उठाता ना
समाज माता मिली उठाता भाई से अटूट नाता गवारा न जाता करण जैसा भाई मारा न जाता करण जैसा भाई मारा न जाता झुकी है निगाहें उठ ना सकेगी एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी अगर राज माता राज ना छुपाती अगर राज माता राज ना छुपाती भाई से अटूट नाता कंवारा न जाता करण जैसा भाई मारा न जाता करण जैसा भाई मारा न जाता। आपके बीच में जो भजन होता ही रहेगा हम चाहते भी हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। अर्जुन ने दौड़ करके जैसे पशु को बांधा जाता है ऐसे अश्वत्थामा को बांध लिया तथा एकदम पशुवत पाशवद्ध मुखम कर्म जुगुप्सित। देखो जुगुप्सित कर्म पाप कर्म करने के कारण उसका मुख सूख गया। भैया हो हम पाप करते हैं तो पहले अपने को छिपाते हैं, ये पाप का लक्षण है कि हम इनके सामने कौन मुंह दिखाई। पापी अपने आप छिपने लगता है, ये पाप का लक्षण है। लेकिन सुखदेव जी ने कहा है पाप करते करते व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इन्हें जुगुप्सित कर्म करने के कारण ओ अदम ब्राह्मण और ला करके अर्जुन ने पांचाली के सामने पटक दिया। आहा भैया जैसे ही देखा धन हो द्रौपदी क्या कहती है भला कोई क्या कहेगा। बोले मुच्चता मेरा ब्राह्मणों नितराम गुरु छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मण नितराम गुरु है आहा क्या बढ़िया धन है द्रौपदी। पांच पांच बच्चों की निशंस हत्या कर दिया है भाई को मार डाला है लेकिन धन है द्रौपदी का हृदय तभी तो भगवान ने चीर बचाई। ऐसा हृदय होना चाहिए। हम तो अपने जेठ जेठानी सास ससुर भाई को भी नहीं क्षमा करना चाहते दुश्मन को क्षमा करना तो बहुत बड़ी बात है कैसे भगवान हमको मिलेंगे। मित्रों आप विचार करें है? बोले मुच्चताम मुच्चताम छोड़ दो ब्राह्मणों नित राम गुरु ब्राह्मण सबका गुरु है छोड़ दो। भीमसेन ने कहा इसको मार डालो महान पापी है मार डालो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा जो द्रौपदी कह रहे हो मुझको अच्छा लग रहा है। बोले युधिष्ठिर महाराज की जो आप ध्यान से थोड़ा सुने थोड़ी देर जो द्रौपदी को अच्छा लग रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है और जो भीम को अच्छा लग रहा है वो भी हमको अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने कहा आप द्विभाषी जो बोलते हैं ये समझ में नहीं आया। कन्हैया ने कहा देखो हमने शास्त्रों में ये कहा है कि अधम का वध कर देना ही न्याय है क्योंकि वो जीवित रहेगा तो और पाप करेगा। खलिहान में आग लगा देना ये सब क्या है। किसी का घर उजाड़ देना बिना मतलब किसी निर्दोष की हत्या कर देना और ब्राह्मण की हत्या करना भी नहीं चाहिए। तो बोले महाराज
जब ब्राह्मण बनेरी चढ़े लागे तो बोले तब रोकत रही कान्ना से मर गया। आशय अर्जुन ने समझ लिया, दौड़ करके उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़कर उसके मस्तक में मणि थी मणि निकाल लिया। दोनों बातें रह गई, भीम की भी बात रह गई और द्रौपदी की भी बात रह गई। ब्राह्मण तेजहीन हो गया, लेकिन प्रतिशोध की ऐसी भावना, उसने कहा है मेरी मणि निकाला है, ये तो भूल गया कि पांडवों ने हमारे ऊपर उपकार किया। उसने ब्रह्मत्सर नाम का ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। किसकी ओर दौड़ा? बोले उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित हैं। बोलो परीक्षित महाराज की, और दौड़ा वो ब्रह्मास्त्र। बगल में द्रौपदी बैठी थी। उत्तरा ने कहा दादी माँ हम किसकी शरण लें, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है और मुझे जलाना चाहता है, हम भीम को बुलाएं, अर्जुन को बुलाएं, युधिष्ठिर को बुलाएं। दादी माँ ने कहा बेटी एक बात नोट कर लो, जो दुख में साथ दे उसको ईश्वर कहते हैं और जो सुख में साथ दे उसको जीव कहते हैं। आपके पास रुपया पैसा भैया पर चार चिमचा पीछे पीछे लग जाएंगे। जब तक आदमी पद पर रहता है सुगल जी मंडल जी, तब तक 10-20 चिमचे आगे पीछे आगे पीछे। लेकिन जैसे पद में भूत लगा भूतपूर्व, तैसे जैसे लोग भूतों से डरते हैं फिर इनसे डरने लगते हैं। अब तो ये भूत हो गए, लेकिन आज तक दुनिया में कोई ये नहीं कहता बोलो भूतपूर्व रामचंद्र की। किसने कहा? बोलो भूतपूर्व हनुमान जी महाराज की। कोई कहता हो महाराज बताइए, क्योंकि यहां तो भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। भगवान का एक पैदा पद है मित्रों, कभी भूत नहीं होता। और संसार के जितने पद हैं सब में भूत लग जाएंगे। तो बेटी जो सुख में साथ दे उसे जीव कहते हैं, जो दुख में साथ दे। देखिए जब दुशासन दुर्योधन ने कहा इस द्रौपदी को नग्न करके मेरे जंगे पर बैठा दिया, उसमें द्रौपदी रजस्वला है, ऐसे में तो स्त्री की छाया भी देखना पाप समझा गया था। उसमें कहां गए थे भीम, कहां गए थे अर्जुन, कहां गए थे युधिष्ठिर, कहां गए थे भीष्म पितामह, कहां गए थे द्रोणाचार्य, सब देवते तो हैं। भीष्म पितामह अष्टम वसु हैं, द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से पैदा हुए थे, कर्ण सूर्य के अंश से पैदा हुआ था, अनिरुद्ध नाना अवतार है, धर्म के युधिष्ठिर पैदा हुए थे, वायुपुत्र भीम है, अश्विनी कुमार नकुल सहदेव है। बचा पाए हैं? कौन बचाया? बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि ये सब कालातीत नहीं है, काल के अंदर में है। जो परमात्मा कालातीत है उसका भजन करो। बोलो गोविंद भगवान की। वो आप एक लाइन दो लाइन सुना दें, वो चंद्रशेखर की कविता बड़ा बढ़िया लिखा है, जिसमें दुर्योधन ने कहा है दुशासन इस द्रौपदी को नग्न करके मेरी जान पर बिठाओ। क्या कहा है? अरे खैच दुशासन जोर लगाई के, और तेरा हमारा जो ओ सुनी पई है। कौन? ओ हो, अरे भौजी के गोद में हुई है तब, विश्वास हमें हरी नाही भूलई है। ये विश्वास है कन्हैया बात। अरे देर अबीर सबीर लगे कतहु हुई है उठ के चली है, नार नदी बन डागत की बन के हिरना बिरना चली है। ऐसा विश्वास। द्रौपदी कहती हुआ हुआ एक पति जिसके होता है उसकी ये दशा नहीं होती है। पति का अर्थ होता है पातीत रक्षत इत पति, जो स्त्री की हर तरह से रक्षा करे उसका नाम है पति। और आजकल तो पति कहां है, तो हो गए हस्बैंड। हस्बैंड माने सुकुल जी, जे पत्नी के सामने हंस हंस कर बैंड बाजा बजावे हस बैंड।
और पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नात् त्रायते इति पत्नी, जो पति को पतन से बचा ले उसका नाम है, अब तो हो गई वाइफ। वाइफ इज नाइफ फॉर लाइफ, जो चौकत रहे नाइफ चाकू की तरह। लेकिन क्या कहती रहती, एक पति ये तो जिसके होता है, हमारे तो पांच पति पर इसी गति, यही देश में साझे आग लग गई वे, अरे सासुर में सब कायरवा, हम नैहर से बिरना बोलवई वे। देख ले यही ससुराल वाली के, स्त्री का तो दो ही स्थान, या तो माए का या तो ससुराल। अब हम 20 मिनट कथा सुनाएंगे, याद रखना, फिर हम कल दिन में भी कहेंगे, आप लोगों के धैर्य परीक्षा नहीं लेंगे, इसलिए हम दिनम चालू हुआ, चाहे हमारे दुए जने रहे, तीन जने रहे, चार जने रहे, बोलो गोविंद भगवान की। तो क्या कहती है, पांच पति पर ऐसी गति, यही देश में साझे आग लग गई वे, अरे सासुर में सब कायर बा, हम नैहर से बिरना बोलवई वे। कति काढ़ सके तुम नाई ब्या, तब जा तू से हम बोल बनाही, अतू बहिनी बहिनी गोहरैया, ना तक कब हम जोर बनाही। अरे भैया सावन में तुहे बांधे बदे, जरई हम ताल में। हम याद आता है, अब तो नहीं है, मिर्जापुर के कैलाशनाथ त्रिपाठी संस्कृत विभाग के इंस्पेक्टर थे, तो उनकी लड़की में राखी बांधती थी, अपना भाई मान करके, मिर्जापुर और नटवा गांव है, बिल्कुल मिर्जापुर का जो कुल है, हाँ नटवा गांव, वो जीवनी है ना, वो हमें भाई मानती थी उनके इंस्पेक्टर साहब की, और राखी तो जरई वहाँ बांधा जाता, भैया जरई, और मैं बथवा लेता था, हैं ये तो मानने की बात है ना। वही कहती है, सावन में तुह बांधे बदे, जरई हम ताल में बोर बनाही, और अरे सावन माघ मलय खिचरी ब्या, गठरी सरी है हम खोल बनाही, खिचड़ी जात ना, ऐसे समय पिसरई ब्याहरी, तब जात उसे हम बोल बनाही, अतु बहिनी बहिनी गोहरई ब्या, नात कब हम जोर बनाही। अच्छा आजकल, पहले तो मित्रों पुरुषों की परीक्षा होती थी, जो शंकर जी के धनुष को तोड़ देगा उसको सीता मिलेंगी, जो करा में तेल भरा हुआ है, ऊपर चक्र घूम रहा है, उसके ऊपर मछली टंगी है और चक्र घूम रहा है, छाया देख करके चक्र के बीच से जो मछली के आंख में निशाना लगा देगा द्रौपदी, उसको मिलेगी। साधारण बात है निशाना। अब तो जो यंदिका तोड़ दे, कंटेसा तोड़ दे, मारुति काल तोड़ दे, राजपूत तोड़ दे, तब उसको द्रौपदी मिलेगी, सीता मिलेगी। ये जो दानव रूपी दहेज, ये अच्छी अच्छी लड़कियां अच्छे घरों में क्यों नहीं जा रही? एक बारात में दूल्हा ऋषियान का चाही, बोले राजदूत हमहू बगल खड़ा रहे, हम कहे राजदूत चक्कन को तो जमदूत नहीं आई जाए, यो ध्यान दे रहे जीवन नरक हो जाएगा। हाँ ये कहे महाराज, आजकल देखा था जितना मनसेदु है ये मेहरून को गुलाम हो जाता है। हम कहे भैया जब दहेज के रूप में वेतन ले ले है, तो नौकरी तो करे इनके भरे, बोलो बालक भगवान की। जब दहेज क्यों सुकुल जी, आप तो बड़े भाई हो, जब आदमी दहेज के रूप में वेतन ले लिया तो नौकरी नहीं करेगा? तो द्रौपदी जी क्या कहती हैं, देखो भाई दो ही स्थान है, नैहर और सासुर। तो कहती हैं द्रौपदी मैया कहती हैं, अरे पंच ब्याहल, अरे पार्थ भी बन गईले बेचारू, अरे पार्थ के साथ धनुर्धर विराटपुर के युद्ध में घबरा गए सब, की अर्जुन है, अर्जुन आ रहा है, छोटे निदम बता सुपत धावत सुन नरेश पार्थ आवत, अर्जुन है लेकिन बेचारू बन गए है? अरे आन गई जत का जनी है, जो मछली मरले पौले मेहरारू, लेकिन बोली देखो द्रौपदी की, मछली मरले पौले मेहरारू, ये काय के जनी है, ऐसे समय पिसरई ब्याहरी। अच्छा
भगवान कृष्ण बहन मानते थे द्रौपदी को, तो वो ले आते थे समय समय पर। द्रौपदी कह रही है एक प्रदुमन ना रही है, अब भैया के बेटवा होगा, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है, हैं? और सौर पुतावे बदे भौजी तुम्हें भेज के पास जरूर, हमें भेज के पास जरूर बोलई है, तौने दिना हम नई बे सौरी बिना पुतल ही रही जई है। अच्छा, और अरे पुत बियाहन तू चल जा, हम काजर आखी बेटवा बियाह जाबे ना तो नेग आज न चुकौ ब्याह हमार, तो एक आंखे काजल लगा दे दूसरा कह देना, इस भुआ या बहन से करती ना, एक आंख पे तो काजल लगा देती है और कहती है बस बस भैया बस बस, जब तक नेग न चुवा दे हम काजल आंख लगाई नहीं, भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। बाल कृष्ण बोलो बाल कृष्ण भगवान की आ गए। हाँ भागवत में लिखा बस इतने उपक्रम से उपसंहार की ओर जाते, थोड़ी कथा और सुनाएंगे, अभी तो 5 मिनट में कुछ बाकी है। उपक्रम से उपसंहार की ओर इतने लिखा, हा कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादो नंदना इमाम औसाम प्राप्त कथम माम संप्रेक्ष से, इतने कहा है द्रौपदी ने। हा कृष्ण हे द्वारिका वासी तू हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिनु काज आज ब्रजराज लाज गई मेरी, दुख बीते काल दया निधि हो और हम ही उहार देख पछते हो। भगवान आ गए और क्या भगवान ने कहीं बताकर थोड़ी कथा की बढ़ाए, बोले कान कहा बर आनी लखा बहिनी के गुहार में भाई खराबा, अरे आचर फारे तू ही बदलू। वासुयज्ञ में जब भगवान ने चक्र चलाया तो भगवान की इच्छा से थोड़ा सा खरोंच लग गई, सब रुक्मणी बैठी रहे, सद्भामो बैठी रहे, कालिंदी बैठी रहे, सब हेरे लागी लत्ता, जिसे हमारे सब उम्र तीप ताप बैठी, भगवान सेवा के जौन लत्ता निकाली थे भगवान पोछे बने, भगवानों कहा था बेटे संसार ज्यादा प्रेम वाला है। द्रौपदी ने क्या किया, बोले नौलखा साड़ी फाड़ दिया। अरे द्रौपदी ये क्या क्या कहा, भैया आपसे ज्यादा कीमत इस नौलखा साड़ी की नहीं है, आप रहोगे बने रहो पता नहीं कितनी साड़ी पहना दोगे। बोलो द्रौपदी मैया की तो कांध का कन्हैया ने कहा, अच्छा द्रौपदी सुन लो, कांध कहा बर आनी लखा बहिनी के गुहार में भाई खड़ावा, अरे आचल फार तू ही बदल, अब ही अगुरी मन निशान पड़ावा, भैल तुहार बड़ा करजा बढ़े बड़ सूत लदावा, इत लाज के खाली पियाज मदा खब मूर तुहार पड़ा के पड़ावा। अब मूर महाभारत उतारब, यह है भगवान कृष्ण की लीला, यह है बड़ो श्री मंदारा भगवान की। बड़ी लंबी पुस्तक मिलती है चंद्रशेखर की, मिर्जापुर के वो द्रौपदी चीर हरण इसका नाम है पुस्तक का, उसी से कुछ अंश हमने हमें याद और है लेकिन अब वो कहने समय नहीं है। वो कहती है बेटा माँ किसकी मैं याद करूँ, बोले दुख में परमात्मा दुख में जो साथ दे, और तब उत्तरा कहते पाही पाही महायोगिन है महायोगी देव देव जगत पते नानं तद्भयं पसे यत्र मृत्युः परस्परम। सबको तो हम देख रहे सब मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं, आपको छोड़कर अभय देने वाला कौन है परमात्मा भगवान। आज बड़ी और इतने नहीं, उत्तरा ने कहा अगर मेरे गर्भ की रक्षा नहीं हुई तो याद रखना कन्हैया तुम्हें पांडवों के कुल को पालन न करने का कलंक लग जाएगा। बोलो बाल भगवान की, क्योंकि तीन लोक भाखत प्रत्यक्षक पांडव वंश के माधव रक्षक, ये तीन लोग कहता है, ये एक बचा है मेरे मेरे पेट में कुल का दीपक, इसको भी थोड़ी नष्ट करना चाहता है, अगर आज ये नष्ट हो गया हमें कोई बात नहीं है, हम तो दुख भोगती चली आ रही तो भोग लेंगे, लेकिन मेरी कोख में आने वाला पुत्र खत्म हो गया। वाह पुत्रा, एक पुत्र को बचाने के लिए भगवान को मना रही है और हम लोग क्या करते हैं, पेट में आया उसको नष्ट करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, कैसे भगवान कृपा करेगा। बोलो बालकृष्ण भगवान की, कैसे कृपा करेगा भगवान।
यही तो शिक्षा लेना चाहिए। भगवान आज बड़ी खबराहट में है, अंगुष्ट मात्र बन करके उधर में घुस गए और एक हाथ में चक्र उठा लिया, एक हाथ में गदा घुमाने लगे। पमितं मदंगं संतान बीजं, संतान के अकेले कौरव पांडव के बीच थे। कुरु पांडवाना जुगोप कुछ गत आत चक्रो मातुश्च मेया शरणं गदाया वीर्याणते। भगवान बड़ी घबराहट में है, गदा चक्र दोनों उठा लिया। क्यों? एक काम के लिए दो काम, ऐसा भगवान कभी नहीं करते। पर भगवान बड़ी घबराहट में आ जाए क्यों? इसलिए कि भगवान कहते हैं अगर ये परीक्षित नहीं बचा तो भक्त की रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुल का पालन न करने का कलंक लग जाएगा। तो भगवान ने गदा उठा लिया और भगवान सोचते हैं अगर ये परीक्षित नहीं बचा तो इसी को निमित्त बनाकर के सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाएंगे, तो जब परीक्षित ही नहीं रहेगा तो काहे का भागवत, भागवत धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने चक्र उठा लिया, भक्त और भगवान रक्षा करने के लिए मानो भगवान ने गदा और चक्र दोनों को घुमाना शुरू कर दिया। बोलो बाल भगवान की बचा दिया। नाम क्या पड़ा? परीक्षित। परीक्षित का अर्थ कई है। गर्भे दृष्टुमनोध्यायन परिचय तंद्रेश भी। अब जितने लोग आते हैं वो ये देखते हैं, जितने लोग आ रहे हैं वो ये देख रहे हैं परीक्षित इसमें जिस कृष्ण ने हमको गर्भ में बचाया वो कौन है। गर्भे दृष्टुमनोध्यायन परीक्षित नरेश भी, माने सब में भगवान को देखना वही परिचित है। जो सब में भगवान को देखता है सियर राम मैं सब जग जान, वे करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सियर राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। राम ने यही हनुमान जी से कहा राम भक्ति का लक्षण यही तुम मान लो। सो अनन्य सजा के मति न तरई हनुमंत और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये संसार मेरा रूप है और ये मान करके तुम संसार के सामने तुम्हारे हाथ जुड़े रहे। बोलो बाद भगवान की परीक्षा और भविष्य बता दिया ब्राह्मणों ने। ये शास्त्रारुण और अर्जुन की तरह धनुधर होगा न उसकी तरह धर्मात्मा होगा और शिव की तरह दानी होगा, राम की तरह सत्यव्रती होगा। लेकिन इतना और बता दिया। क्या बताया? कहा भाई ये शिकार खेलने के लिए जंगल जाएगा तो श्राप होगा और सर्प दंश से इसकी मृत्यु होगी। बोलो बाल भगवान की। ब्राह्मण बड़े सत्यवादी होते थे। अच्छा आज मित्र 15-20 मिनट और कथा सुन लें। आज युधिष्ठिर की एक आदत थी कि भगवान कृष्ण जब सोते थे तो सुबह जाकर के उनके पैर के पास खड़े होकर एक तक भगवान की सुंदरता को देखते थे। भगवान बड़े सुंदर है। सृत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। ऐसे भगवान बोले अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर
जय जय देव हरे। बोलो बात क्यों भगवान की जय। आज क्या देख रहे डिस्ट्रिक्ट में भगवान चदरा तान करके रो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ने कहा कन्हैया संसार की ऊपर विपत्ति आती है तो तुम्हें बुलाता जब तुम ही रो रहे हो, कौन फिर किसको बुलाएगा। कन्हैया ने कहा युधिष्ठिर सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह मेरी याद करके रो रहे हैं और मैं भी भीष्म की याद करके रो रहा हूं क्योंकि यथा माम प्रपद्यन्ते तां सुप्तथैव भजाम्यहम, जो मुझे जैसा भजता है। प्रहलाद ने भक्ति से जपा भजा तो भगवान नरसिंह बनकर आ गए। उन्हीं का पिता हिरण्यकश्यप ने दुश्मनी साधा तो नरसिंह बनकर फाड़ दिया। जैसे आप भगवान से दुश्मनी करोगे तो कभी मत समझ लेना परमात्मा आपके साथ सहृदय का व्यवहार करेगा। जैसा आप चाहते वैसे ही आएगा, वो कल वृक्ष है। अब तो रस सजा दिया गया, भीष्म पितामह के पास सब पांडव पहुंच गए, बड़े अदब से परिक्रमा किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण भी साथ में है। भीष्म ने माथा सूंघा आशीर्वाद दिया, बोले अहो कष्ट महो अन्यायम। भीष्म पितामह कहते बड़े कष्ट की बात है, बड़ा अन्याय है, धर्म नंदन है। जहाँ धर्माज युधिष्ठिर हो और कांडयुधारी अर्जुन हो, गदाधारी भीम हो और विप्रा धर्म चुदाश्रय है, जो तीन के आश्रित होता है। नारायण जी जो तीन के आश्रित होता है कौन कौन का, ब्राह्मण धर्म और भगवान, तीन के आश्रित बनो। जिसके घर में चार की सेवा करो प्यारे, कौन कौन, बोले गाय, गरीब, ब्राह्मण और साधु, इनको भूखा मत रखो नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। बोलो लक्ष्मी मैया की। कहते हैं विप्र धर्माच्युताश्रया है, फिर भी तुम्हें विपत्ति आई, इसका मतलब ये कृष्ण की इच्छा थी। बोलो भीष्म पितामह महाराज की जय हो। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं युधिष्ठिर के पूछते पर, नारी का धर्म क्या है, बटुक का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म का राज भागवत धर्म क्या है, और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया है महाभारत में शांति पर्व में, बड़ी स्तुति किया है भीष्म पितामह ने। और एक प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने कि महाराज राजा के अनुसार प्रजा होती है कि प्रजा के अनुसार राजा होती है। भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए कहा युधिष्ठिर राजा के अनुसार प्रजा हो जाती है, प्रजा के अनुसार राजा नहीं होता। राजा पापी होता है तो प्रजा भी पाप करने लगती है, और राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती है। इसीलिए कहा है राजा कैसे राष्ट्र की रक्षा करे, बोले ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। राजा ब्रह्मचर्य तपस्या के अलावा राष्ट्र की उसकी रक्षा करना चाहिए। राजा भोगी होता है तो प्रजा भी भोगी हो जाती है, ऐसा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। इसलिए बहुत सोच समझ कर राजा का चुनाव करना चाहिए। चाहिए धर्मशील नर नाहू। और वो समय आ गया जब आज भीष्म पितामह के चलने का समय आ गया, और उन्होंने भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाया। कहा कन्हैया आज मेरी इच्छा विवाह करने की है, चाहते हैं कि तुमसे विवाह हो जाए, तुम्हारा विवाह हो जाए। कन्हैया ने कहा वार पितामह विवाह न करने के कारण तो आपकी ये दशा हो गई, कभी विवाह फायदा करता है कभी विवाह सरसैया पर लिटा देता है न करने से। अब करी कि न करी, विवाह करी कि न करी, तो भैया करनी करके करनी के करो, क्यों सुख जी मन्नत जी, और करनी के न हो तब भी ना करनी के। अरे भैया घरनी करके घरनी के करो, घरनी के न हो तब बिना घरनी के, बिना इनके घरनी घर भूत डेरा। अंबे अंबे के अंबाल के तीन कन्याओं का हरण किया, काशी नरेश की कन्याओं का अंबा ने प्रतिज्ञा कर लिया और वही शिखंडी के रूप में पैदा हुआ, पैदा हुई। हाँ उल्टा नहीं छोड़ो भाई है, और प्रांत का कारण बन गई। अब आज विवाह करना चाहते हो महाराज, बहुत बढ़िया बात। भीष्म पितामह ने कहा, कहा प्रभु जो वस्तु निर्मल होती है उसे आपके चरणों में सौंप देना चाहिए। भीष्म पितामह कहते कुछ भी हो पर मेरी बुद्धि में कभी विकार नहीं आया। बोलो भीष्म पितामह महाराज की, यम नियम आसन प्राणायाम करके आपका चिंतन करके मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। हैं
इसलिए आज इस कन्या रूपी पुत्र को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं बलवान भगवान की। इस बुद्धि का क्या नाम है? धी। धी माने तभी तो गायत्री मंत्र जब आप जपते हो क्या पढ़ते हो? धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी हमारी बुद्धि सतत सन्मार्ग की ओर चले, चलती रहे। और धी माने कन्या का धिया, कहते ना सुकुल जी, अरे धिया आप लोग क्या कहते नहीं, धिया का धिया। तो धिया माने बुद्धि, पूरे शरीर में खुला पात्र है लेकिन बुद्धि निर्बल रहा है, कुछ नहीं बिगड़ सकता, याद रखना। पूरे ड्राइवर की सीट, पूरी गाड़ी भरी रहे लेकिन ड्राइवर की सीट खाली रहे तो एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन जब ड्राइवर की भी सीट पर हम बैठ जाते हैं तो एक्सीडेंट श्योर हो सकता है। पूरी शरीर में खुला पात्र है पर बुद्धि निर्मल रहे, ऐसे धिया माने कन्या है। बुद्धि निर्मल है, शरीर को शुद्ध कर देती है, ऐसे कन्या निर्मल है तो कुल को निर्मल कर देती है। अब कहीं बुद्धि रूपी कन्या बिगड़ गई तो कुल का सत्यानाश भी कर देती है। बोलो बाल भगवान की। इसे धी कहा, धी महि धियो है। तो ऐसे मेरी बुद्धि रूपी जो धिया है, बुद्धि रूपी धी है, आज मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। माने बुद्धि को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर लेना। यत करोस रसनास यत जोस रासत यत तपस्यस कौन्तेय तत्कुल मदार पढ़ाई। आज यही बुद्धवाने पर निर्मल बुद्धि को आपके चरणों में। उसके बाद भीषम बड़ी लंबी चौड़ी बोले, त्रिभुवन कमलम कमल वर्णम रविकर गौरवाम्बरम दधाने वपुरल कुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मुनि वद्यः। बोलो भीषम पितामह त्रिभुवन, उनकी सुंदरता का वाह वाह, क्या बढ़िया सूर्य की रश्मि कर आपका पीताम्बर फहरा रहा है, और आपका ये श्याम वर्ण कमाल वर्णम कमाल पत्र की तरह है। और तो इसलिए क्या लहरा रहा है उस पर भी कमल की तरह आपकी, ऐसे अर्जुन सखा विजय सखे रजरस्तु में वद्या, ऐसे अर्जुन सखा कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, माने मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो जाए। उस समय की आप भी सभ्यता कर मैंने बाणों से मार मार कर तुम्हारे कौचों को धूल धूल से शरीर आपका क्या सुंदर लग रहा था, बड़ा वर्णन करते हैं भी सभ्यतामा। अंत में वो समय आ गया जाने का। आज उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि लगाई। जैसे जैसे सांस खींचते हैं तरह तरह बाण निकलते चले जाते हैं, और अंत में निर्मल शरीर पितामह का हो गया, घाव सब भर गई। भगवान कृष्ण ने हाथ फेरा, सारा दुख गायब। बोलो बालकृष्ण भगवान की। निर्मल शरीर हो गया, जैसा कोई घाव नहीं रह गया, परमात्मा सामने खड़ा है, कहां से घाव होगा। और अंत में ओम शब्द का उच्चारण किया और इस आत्मा को अन्नमय को प्राणमय में, प्राणमय को मनोमय में, मनोमय को विज्ञानमय में, विज्ञानमय को आनंदमय में जैसे समाहित किया जाता है, ऐसे आज इस आत्मा को भीष्म पितामह ने कन्हैया के चरणों में विलीन कर दिया। कैसे शांत हो गए भीष्म पितामह, जैसे गोधूली बेला में पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। और पांडव सब बिलख बिलख कर रोने लगे। बोलो बालक भगवान की जय हो। उसके बाद स्वर्गारोहण की बात आती है। एक बात बताकर देखो, भागवत में कोई किसी के लिए विमान उमान नहीं आता। आप कहोगे महाराज कल आप कथुआ में कह रहे थे कि धुंधकारी के लिए विमान आया, अब आज कह रहे हो विमान नहीं आता, ये दो भाषा बोलते हो? नहीं, अरे वो धुंधकारी कथा पद्म पुराण की है, मैं भागवत की बात कर रहा हूं। भागवत में विमान क्यों नहीं आता? इसलिए कि भागवत जीवन मुक्ति की बात करता है। जो जीवन में मुक्त नहीं है उसका मरने के बाद क्या गारंटी मुक्त होगा? वो तो कहता है मेरा अनुशासन कर, अनुशील करो, हम तुम्हें जीवन मुक्त कर देंगे। राजा परीक्षित को लाश को काटा, ध्यान से पढ़े भागवत को, पंडित जी आप बैठे हैं विद्वान है। तक्षक के दसने के पहले ही राजा परीक्षित की आत्मा विश्वात्मा विलीन हो गई थी, उनके शरीर को काटा। जो पंडित लोग ये कहते हैं ये होगा वो हुआ, सब गलत कहते हैं, वो दिग्भागवत कथा हो सकती है, पर भागवत की ना, यहां तो जीवन मुक्ति है। हाँ, इसलिए किसी के लिए विमान नहीं आता है।
जहाँ जो है वही मुक्त हो गया। यह है भागवत का अनुशीलन। बोलो बाल भगवान की। अंत में राजा परीक्षित को सर्प श्रृंगी ऋषि के श्राप से श्राप हुआ और सब कुछ छोड़कर अनशन पर बैठ गए और सारे साधु मां भृगु अंगिरा पुलस्त नारद परशुराम दुर्वासा देवल राजा जैसा धर्मात्मा सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर बैठा। क्यों श्राप हुआ था? कि मरा सांप उनके गले में उन्होंने डाल दिया था। शिकार खेलने गए थे। इसकी थोड़ी सी चर्चा हम इनकी कथा में थोड़ा अगर आप सुने करेंगे अभी नहीं तो साफ हो गया। और तब सुखदेव जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत सुना करके महाकाल के मुंह से में जाने से बचा लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज के सुख ये तावती कथा। गंगा नदी के किनारे के ज्ञानी बैठे ध्यानी बैठे जोगी बैठे जति बैठे ताके मध्य में खोडल वर्ष की अवस्था है। झरोले झरोले बाल हैं मंद मंद मुस्काते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं एक बार बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने जब एक ब्राह्मण ने अस्त्र का प्रयोग किया तो कृष्ण ने चक्र से उनकी रक्षा माने एक अस्त्र से भगवान ने अस्त्र की रक्षा किया ना। सुना कथा ना आपने कि पेट में जब परीक्षित थे तो अस्त्र का प्रयोग जब ब्रह्मास्त्र का किया द्रोणी ने तो भगवान ने चक्र से बचा लिया। लेकिन आज एक ब्राह्मण ने जब वाणी का प्रयोग किया श्राप दिया तो कन्हैया ने सुखदेव जी के मुंह में बैठ करके श्रीमद् भागवत कह करके बचा लिया अपने भक्त को नरक नहीं जाने दिया। बोलो बाल भगवान की है। सुखदेव जी है भाई सुख का आनंदम कम ब्रह्मम सुरु यस्य वचना शीघ्र आनंदम संजाता सुख जिसके बोलने मात्र से आनंद तपकता हो उसको सुखदेव कहते हैं। वो तो दृष्टिपात से परीक्षित को मुक्त कर दिए लेकिन संसार का कल्याण कैसे हो क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनाई गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। बोलो आशुतोष अवधार रानी की। बोलो गंगा मैया की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कीर्तन ही हो जाए। जय जय राम लला जय जनक लली जय जय राम जी 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 लला जय जनक लली जय 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 लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली जय नंद विष भानु लली जय नंद जय जय श्राधे श्याम। हमारे ब्यास जी कह रहे हैं
क्या परम आग्रणी पूजनी वंदनी अर्चनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धे परम पूज्यपाद हमारे कुलगुरु पुरोहित महेश महाराज जी। हम नाम उनका नहीं लेते लेकिन आप व्यवस्था बस ले रहे हैं कि जितने हमारे गार्जियन आए हैं कम से कम जान ले कि हमारे गुरु हैं और हमारे हृदय के टुकड़े या कोई शब्द हमारे पास नहीं है कि हम व्यास के लिए संबोधित कर दें। इस व्यास मंच से भगवान का विराट दर्शन आज होने जाएगा। कब जाएगा? जितने हमारे गार्जियन आए हैं सब पारित पर एक मिनट दो मिनट भगवान का आरती कर लेंगे, साक्षात भगवान का दर्शन करेंगे। कैसे? आइए, भगवान में पांच शब्द है, चार शब्द नहीं है, पांच शब्द है। भ ग व में आगमन का आ न। आइए, हम चिंता कर रहे हैं लेकिन उसे रह नहीं गया। भगवान आप लोग हमारे गार्जियन हैं ताकि भगवान आप लोगों को इस मानस पटल पर दिखाई दे। तो आइए एक सेकंड के लिए अगर व्यास जी छूट दें तो हम व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, भ माने भूमि, भूमि माने जमीन धरती। ग दूसरा शब्द ग, ग माने गगन, गगन माने आकाश। भ ग तीसरा शब्द, भ ग व नहीं हो, व माने वाई, वाई माने हवा। अब व में आ का मंत्र लगा हुआ है, आ, आ माने अग्नि, अग्नि माने आग। हम दो दो बता रहे हैं ताकि समझ में जल्दी आ जाए। और लास्ट में बचा न, न माने नीर, नीर माने जल पानी। तो आइए, छिट जल पावक गगन समीरा। पांच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। आप लोग आरती में जरूर शामिल हो, भगवान को साक्षात दर्शन करें और इस बहती हुई गंगा में तीर्थ में तीर्थराज प्रयाग में आप डुबकी लगाने सब काम परिपूर्ण हो जाएगा। कहा गया है रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इतना मोटा रामायण लिखे और न जाने कितने लोग उनका अनुकरण करके अपना दुकान चला रहे हैं, अपना क्रिया कर्म चला रहे हैं। उसे लिखा गया है कि माघ मकर रवि गति जब होई आम। देखिए हम भूल गए, आओ सब कोई, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ सारा तीर्थ जो है बड़ा, क्योंकि हम भाव में विभोर हो गए और हमको अब जो है ना आंसू अंदर से आ रहा है और भाव में जब विभोर हो गए तो वह सब छूट गया। इसी बात पर जो है हम लोग आरती करेंगे, सारे भक्त सारे जो है सब लोग आरती में शामिल होंगे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ज्ञान, यही हर नाम यही हर ज्ञान, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने
मधुबन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जगपन को चल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जगपन को चल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने। श्री राम यही गण श्याम यही, श्री गण श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव वृंदावतार संसार सार हरेन्द्र सदा संगारविंद भवन भव सतम नमामि त्वमेव माता जगा त्वमेव त्वमेव बन्ध जगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व समुदेवो आदिला बुध श्यामल मोमलाय सीता समारे तवाम भागं पारो महाजाय चारु चारु नमामि रावण विवंशना चौ कार्य नवाचा वर्षे दिवा विद्यान पदा वर्षित स्वभाव करोमि अभ्यास बलं परस्मि नारायणाय इति समर्पणं विच तं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे गजानना
gajanana gajanana guru mangala gajanana 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 guru mangala gajanana aao aao sab mil gao aao aao sab mil gao balki manorath tat chhad paao balki man पंडो
पुष्पांजलि समर्पयामि एवा प्रेमजलि भागवत भगवान की। सभी भाव भक्तगण बड़े प्रेम के साथ भगवान की जयकारा लगाएंगे। एवा प्रेमजलि विनाश गणेश महाराज की। वृंदावन बाप के बिहारी लाल की। विपिन बिहारी सरकार की। राधा माधव सरकार की। गुप्तेश्वर महादेव की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। सरजू मैया के। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की आज के आनंद की अटल छत्र की भक्त और भगवान की यज्ञ रजवान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की धर्म सम्राट स्वामी जी का पात्र जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्री पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी भक्तगण यथास्थान बैठ जाए।